हेलो बच्चों, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केंचो, वनकम। एवरीथिंग इज ऑल सेट, ठीक है। चैट पे लिख दो, यस सर, जय माता दी, बहुत हो गया, शुरू करो सर, बहुत बोल दिया आपने, है ना। पर बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो भी मैं आपको बातें बताता हूं बार बार, दे आर इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों शुरू करें। यस, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ठीक है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन है एनसीईआरटी के ऊपर, एंड ठीक है जी बच्चों, हम एटम्स के ऊपर आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक सेकंड दें, मैं यहां मार्कर ले लेता हूं, एंड एटम्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी रख लो, पन्ने खोल लो, मार्कर ले लो, पेन के साथ उसको अंडरलाइन और मार्क करते जाओ, ठीक है। शुरू हो जाओ सभी, ठीक है। तो क्या क्या करने वाले हैं, अल्फा पार्टिकल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सारे पॉइंट्स ये हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एटम्स को शुरू करते हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एनसीईआरटी की शुरुआत में एक इतिहास की कहानी दी जाती है, ठीक है। तो वैसे नो डाउट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है हमारे लिए, बिकॉज इतिहास की बातें हैं, ठीक है ना। बट बच्चों कहते हैं कि इतिहास भी बहुत कुछ आपको पन्ने खोल के सिखाता है। तो मुझे ना इसके इतिहास में कुछ दो लाइनें बहुत अच्छी सी लगी, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। तो देखो यार, एटम्स की जब डिस्कवरी हो रही थी, है ना, स्माइल के साथ, आपके भी चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए इसको पढ़ते हुए, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी हम सभी मिलके ना अभी एक मिनट के अंदर कुछ रिलेट करने वाले हैं, ठीक है ना, जरा समझना इस बात को। ये जो एनसीईआरटी में जब उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने बताया कि जब एटम का आविष्कार हुआ तो एटम कैसे आविष्कार हुआ, बहुत लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। तो सबसे पुराने दादाजी जो थे हमारे, जिन्होंने एटम्स के ऊपर अपने जीवन को समर्पित किया, वो थे जे जे थॉम्सन, ठीक है। और जे जे थॉम्सन बिल्कुल मुझे पंजाबी टाइप्स लगते हैं, ये पंजाब से, मुझे ऐसा लगता है ये पंजाब से नहीं थे, मुझे लगता है ये पंजाब से बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एटम एक वाटरमेलन है, एटम एक वाटरमेलन है, है ना, एक वाटरमेलन की तरह है। वाटरमेलन पता है सबको, है ना, तरबूज, मतलब सबने पंजाबी में हम दवाना भी बोलते हैं उसको, है ना, तरबूज। तो ये एक वाटरमेलन की तरह है, जिसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एकदम से, जो उसके अंदर आप सोच रहे हो जो रेड कलर का होता है ना, जूसी सा, वाटरमेलन को काट के जूसी सा, वो सारा पॉजिटिव चार्ज है ना। और उसके अंदर है ना, ये पंजाब से थे, पक्की बात है बेटा, इनका जो पिछला जन्म होगा वो पंजाब में होगा, पक्की बात है ना। और उसके अंदर उन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीड्स की तरह हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सीड्स की तरह। हमें पता है ये मॉडल गलत है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस भी होता है। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने जो मॉडल दिया कि वाटरमेलन, ये वाटरमेलन आ भी रहे हैं चैट में, है ना, तो प्लम पुडिंग मॉडल, उन्होंने ये नाम दे दिया प्लम पुडिंग मॉडल है। इस तरह से एटम आपका डिजाइन होता है, ठीक है। कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके उनको ये पता लगा, पंजाबी थे ये हमारे, एकदम बढ़िया खाने पीने वाले, है ना। यस सर, ये बात सही है आपकी, है ना। तो अब क्या हुआ, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, ये जो जे जे थॉम्सन थे, इनकी तो इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की। अब जे जे थॉम्सन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, ठीक है ना, आपको पता लगेगा। तो देखो ये रदरफोर्ड आ गया, ये रदरफोर्ड क्या स्मार्ट सा बंदा लग रहा है। तो जे जे थॉम्सन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, मतलब देखो यार, है ना, रदरफोर्ड थे उनके स्टूडेंट, और उनके स्टूडेंट ने बोला कि गुरुजी आप गलत हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिससे उसे पता लगा कि भैया जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस में अंदर पड़ा हुआ है, बिकॉज सारे अल्फा पार्टिकल्स, अभी बताने वाला हूं, वो भी डेविएट हो जाते हैं। और फिर रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे बोहर। यार ये एक चेहरे पे स्माइल वाले, समझ रहे हो। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने इनके मॉडल को इंप्रूव किया, और फिर आगे हम रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता न्यूक्लियस में गिरना चाहिए बट वो नहीं गिरता, तो उन लिमिटेशंस को उनके स्टूडेंट ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आप सोच रहे हो गुरु शिष्य के रिलेशंस कैसे हैं। और बच्चों मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, मतलब एक गुरु के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती जब उसका शिष्य उससे बेटर परफॉर्म करे और उसे गलत प्रूव करे। मैं हमेशा इस दिन की वेट करता हूं, जब भी मैं बच्चों को ऑफलाइन में भी पढ़ाता था और अब ऑनलाइन में भी वही फीलिंग है मेरी, कि जब मैं पढ़ाऊं मुझसे बच्चे कुछ सीखें और एक ऐसा समय आए वो मुझे मेरी गलती बताएं। और ये बेटा कई बार होता है, और जब ये होता है तब हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। यस बच्चे हमसे सीख रहे हैं और वो हमसे अब आगे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वॉट गाइज, जहां तक आप सबने पहुंचना, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, विनय सर आज कुछ पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत बच्चे टीचर्स बड़े हैं, बेटा आपने मुझसे बेहतर पढ़ाना है, तब मैं बोलूंगा मेरी छाती चौड़ी है, यस मेरे बच्चे हैं ये, मुझसे बेहतर पढ़ाते हैं, ठीक है।
अपना टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, चक दे फटे, ठीक है। और बच्चों इस बात को भी आप याद रखें, ये हमारे शास्त्रों में भी डेफिनेशन लिखित है, तीन तरह की चीजें होती हैं, एक होता है पुत्र, एक होता है सपुत्र, एक होता है कपुत्र। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक होता है पुत्र, पुत्र कौन, जिसने पिता की संपत्ति को बराबर मेंटेन किया, दैट इज अ पुत्र। जिसने पिता की संपत्ति को कम कर दिया अपनी हरकतों से, दैट इज कॉल्ड एज कुपुत्र, वो कु है, मतलब वो गलत पुत्र है, वो अच्छा नहीं है। और जिसने उसमें वृद्धि की, उसने उसको बढ़ा दिया, उसको हम बोलते हैं सुपुत्र। इसी तरह पुत्री के लिए भी ये वैलिड है, पुत्री, कपुत्री और सुपुत्री। तो बच्चों जब आप ऐड करते हो कुछ तो आप सुपुत्र बनते हो, सुपुत्री बनते हो। तो ये सब लोग जो हैं ये सब पुत्र हैं, इन्होंने कुछ कुछ उसमें ऐड किया। लिख दो चक दे फटे, यस सर, ठीक है जी, लिख दो भाई, टमाट लो, जाग ले हो बेटा। ये सपना होता है लोगों का एनसीईआरटी इस तरह से पढ़ने का, हम साकार कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ मजा आ रहा है ना, यस 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 यस, ठीक है, ओके। टमाटर जाग ले हैं, हाँ जी जाग ले हैं, चल जाग ले हैं, टमाटर भेज ले, जाग ले हैं, चल जाग ले हैं, पिलाओ पिलाओ, बहुत मजा आ रहा है हमें, वैसे निन्नी कर रहे हैं, नशे लेके बैठे हैं घर पे, ठीक है। तो ये सारी बेटा रदरफोर्ड ने फिर अपनी कहानी शुरू की, उसने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, आप सब जानते हैं, मैं डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट पे आ जाता हूं। उसने क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल की गन ली, अल्फा पार्टिकल्स उसने एक थिन गोल्ड फॉइल पे भेजे, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अनडेविएटेड जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम जो हैं, है ना, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे जब अल्फा पार्टिकल जैसे बेंड होके आते थे तो वहां पे एक स्पार्क पैदा होती थी, एक स्किंटिलेशन जिसको बोलते हैं वो पैदा होती थी। तो जहां जहां पे वो स्किंटिलेशन जा रही थी जिंक सल्फाइड के साथ अल्फा पार्टिकल की, मतलब वहां पे वो डिफरेंट एंगल्स पे डेविएट कर गया। तो ज्यादातर स्किंटिलेशन सामने थी, ठीक है ना, सीधे ही अनडेविएटेड जा रहे थे, लेकिन बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो हमारे साइड्स पे होकर जा रहे थे। तो यहां से ये पता लग गया कि भैया अंदर का जो हिसाब किताब है वो काफी खाली है। तो एक एक करके हम बोल देते हैं, उसने 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के अल्फा पार्टिकल लिए, बिस्मथ में मारे, है ना, बिस्मथ सोर्स से थिन मेटल के अंदर मारे, ठीक है ना। तो उसने अल्फा पार्टिकल्स कहां से निकाले, बिस्मथ से निकाले और गोल्ड फॉइल के अंदर मारे। दे स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स वर ऑब्जर्व्ड, है ना, थ्रू अ रोटेटेबल डिटेक्टर कंटेनिंग ऑफ जिंक सल्फाइड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिंक सल्फाइड की आपकी स्क्रीन थी जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, और डिफरेंट एंगल्स पे आप देख सकते हैं बहुत कुछ हुआ। तो आप देख सकते हो बच्चों ये वाले जो पार्टिकल्स वापस रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं ये आपके बहुत कम है, ज्यादातर पार्टिकल्स आपके सामने यहीं से सीधा अनडेविएटेड होकर यहां से निकल रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट सबने बहुत बार सुना हुआ है। अब मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, आप सबको पता है कि भैया इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होता है ऑर्बिट का, ये सब डेटा जानते हैं, ठीक है ना, 10^-10 होता है। और जो न्यूक्लियस का ऑर्बिट का रेडियस होता है वो होता है 10^-15 मीटर। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के ऑर्बिट का जो रेडियस है वो 10^5 टाइम्स है। देखो ये 10^5 आ जाएगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो 10^5 टाइम्स न्यूक्लियस के रेडियस के बराबर है। तो ये सारी उसने एनालिसिस की कि अगर बहुत कम पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं तो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है जिससे वो रिपेल हुए होंगे जो वो सेंटर पे होगा और वो बहुत कम होगा, और ज्यादातर जो स्पेस है अंदर वो खाली है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आ गया जिसकी वजह से ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मेरे, ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडेविएटेड गए, और कुछ जो सामने हिट होके आए वो जो थे वो बहुत कम थे, ठीक है। अब मैं आपको यहां से बताना क्या चाहता हूं, डेटा को समझने का प्रयास करना, ठीक है। अगर अगर हमारा न्यूक्लियस 1 मीटर होता, सोच के देखो जरा, अगर मेरा न्यूक्लियस, इफ मैं यहां पे आपको एक बात, ये हाइपोथेटिकल डेटा है, विनय सर ने अपनी शौक से बनाया, ठीक है ना, अगर न्यूक्लियस 1 मीटर का होता तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहां मिलता, 10^5 मीटर, मतलब 100 किलोमीटर। तो अब आप एक काम करो, आप सभी अपने घरों में एक फुटबॉल ले लो, फुटबॉल का रेडियस है 1 मीटर, सोच के देखो जरा, एक फुटबॉल है और मान लो वो न्यूक्लियस है, मान लो वो न्यूक्लियस है, तो आपके घर में जो फुटबॉल है उसे आप न्यूक्लियस मान लो, तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना होगा, 100 किलोमीटर। मतलब सोच के देखो, आप अपने घर में 100 किलोमीटर दूर जाके आपको जो एक सर्कल मिलेगा, मतलब आपके कई शहर निकल जाएंगे बीच में, तो आप जो सर्कल मानोगे तब आपको पहला इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। तो बीच की सारी जगह जो है वो आपकी सारी खाली है। तो इस तरह से इसने इस मॉडल को एक्सप्लेन किया। चक दे फटे, लिखो जय माता दी, समझ में आ रहा है, एवरीवन ऑल क्लियर, चक दे फटे, है ना, फुटबॉल बना दो एकदम बढ़िया। तो इस तरह से मतलब अगर आप डेटा को रिलेट करें
कि इतनी खाली जगह है अंदर, आप सोच के देखो। ठीक है, अब वही आपका फुटबॉल और आपका इलेक्ट्रॉन 100 किलोमीटर दूर, उसको श्रिंक कर दो, छोटा कर दो, छोटा कर दो, छोटा। अरे भैया, अब सोच के देखो, अगर ये 10^-10 है तो वो कितना 10^5 टाइम्स एक बिंदु टाइप अंदर होगा। तो दिस इज व्हाट ही हैज एक्सप्लेन्ड दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो ये सारी बातें बेटा आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो 1 in 8000 जो थे वो सारे आपके वापस आए। एक उसने ग्राफ भी बनाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने वापस आए, मतलब कितनों का ये एंगल जो है ना, डिफरेंट तरह का एंगल जो ऐसे करके ये वापस आपके अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे। तो उसने ऑब्जर्व किया जैसे जैसे वो एंगल स्कैटरिंग एंगल आपका बढ़ता जा रहा है ना, मतलब डिफरेंट ये स्कैटरिंग एंगल है, कितने एंगल पे स्कैटर किए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं ज्यादातर जो हैं देखो वो 0 degree के आसपास ही हैं, नियरली आर 0 degree, नियरली। तो ज्यादातर तो अनडेविएटेड गए, जैसे जैसे वो स्कैटरिंग एंगल बढ़ता गया उनकी जो मात्रा है वो कम होती गई। तो ये उसने एक ग्राफ बनाया, तो इससे ये भी पता लगा था एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो ज्यादातर जो मास है और जो पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत मासलेस होते हैं, बहुत कम मास होता है उनका, है ना, तो वो सेंटर पे है और जो बाकी जगह है वो सारी आपकी खाली है। तो वही सारी बातें बेटा बार बार वो लिख रहे हैं। तो विद द एटम बींग नियरली लार्जली लार्ज एम्प्टी स्पेस, इट इज ईजी टू सी वाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो राइट थ्रू द थिन मैट। तो इसीलिए बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो अनडिवेटेड चले गए। तो वही बात है, बार बार नहीं करेंगे अपन, ठीक है। और उनके बीच में, हाँ ये अब इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि भैया देखो यार ये पॉजिटिव चार्ज है, आपने एक इलेक्ट्रॉन को बच्चों मारा, एक इलेक्ट्रॉन को आपने मारा विद इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से वी नॉट, सोच के देखो। अरे भैया अब देखो जरा यार, ये डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट होता जा रहा है ना, तो वो ये कह रहा है कि किसी भी वक्त अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये सबको पता ही होगा ना, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय कूलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज के क्यू वन क्यू टू, मतलब के हो गया 1/4π ε₀, क्यू वन जो हो गया वो हो गया +2E, समझ रहे हो, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे मेरे भाई, देखो ये मेरे नशे में, मैं भी नशे में चलता हूँ कई बार, हाँ जी, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो दे विल रिपेल ईच अदर बाय सम फोर्स, अगर डिस्टेंस इनका आर हो, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, और डेफिनेटली जो आर होगा जर्नी में वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो भैया इसमें उसने ये सारी बातें बोली हैं, ये सब होगा, और एक इंपॉर्टेंट इसने एक टर्म दे दी कि अल्फा पार्टिकल की ट्रजेक्ट्री क्या होगी, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो एनसीईआरटी में यहाँ गिवन है। ट्रजेक्ट्री मतलब ये जो शेप होगी, ये शेप कैसी होगी, तो उसने ना बड़ी अच्छी बात कही है, कहता है जो शेप है ना वो यूनिक शेप है ही नहीं, ये तो हमें भी पता है यूनिक हो ही नहीं सकती, कोई पार्टिकल सीधा जा रहा है, कोई कम एंगल पे जा रहा है, और जो कोई होगा वो सीधा वापस ऐसे भी आ रहा है ना, तो आप समझ रहे हो शेप यूनिक है ही नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि शेप जो डिसाइड होती है ना, वो डिसाइड होती है इंपैक्ट पैरामीटर से। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, कि इलेक्ट्रॉन आपने इनिशियल जो भी वेलोसिटी देके मारा, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं मैं, सॉरी +2E अल्फा पार्टिकल है, सॉरी यार, ये अल्फा पार्टिकल जो है आपका, जो आपने इनिशियल वेलोसिटी देके मारा, उसकी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस से बी, बी इज इंपैक्ट पैरामीटर, और वो इंपैक्ट पैरामीटर, ये इंपॉर्टेंट है भैया पूछ लेते हैं ये बोर्ड्स में, वो इंपैक्ट पैरामीटर डिसाइड करता है आपकी ट्रजेक्ट्री क्या होगी। तो अगर बेटा आपका इंपैक्ट पैरामीटर ऊपर होगा, सोच के देखो, तो रास्ता जो होगा वो कंपैरेटिवली लेस कर्व्ड होगा, है ना, रास्ता जो होगा वो जितना आप ऊपर और ऊपर से मार दो तो नियरली सीधा ही निकल जाएगा, सोच के देखो, है ना। तो जितना तुम उस इंपैक्ट पैरामीटर को कम करते जाओगे, उतना डेविएशन ट्रजेक्टरी का बढ़ता जाएगा, और बिल्कुल अगर उसके पास ही ले आए तो उतना ज्यादा वो उसको रिबाउंड करेगा। तो दैट इंपैक्ट पैरामीटर विल डिसाइड दी ट्रजेक्टरी, चैट पे लिख दो चाक दे फट्टे। तो देखो उसने डिफरेंट ये यहाँ पे इंपैक्ट पैरामीटर दिखाया और डिफरेंट हाइट्स दिखाई है, जिस हिसाब से आपको वो ट्रजेक्टरी के बारे में बात कर रहे हैं। लिख दो चाक दे फट्टे, जय माता दी। यस सर, अरे भाई क्लियर हो, तमातलो आल है समझ में, हाँ जी चल आल है, नीनी भी आ ली है साथ साथ, है ना, हाँ जाग ले हो, सो गए है ना, जाग ले चल, जय माता दी, हाँ तमातल चल, जय तमातल, ये तमातल वो तमातल, यस तमातल, चलो भाई, हाँ जी। तो भैया इसके ऊपर अब ये छोटा सा एक डेटा आपको गिवन है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, स्टिल अगर आप देखना चाहें तो आपको बस यही गिवन है जो मैंने आपको दिया था, कि भाई न्यूक्लियस का रेडियस 10^-15 है और इलेक्ट्रॉन का रेडियस इतना है। तो वो आपको ये कह रहा है कि मान लो जो ये रेशो है, जो न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की रेशो है, अगर वैसी ही रेशो आपकी सन और अर्थ की होती, तो अर्थ सन के पास होती है या दूर होती, बस ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को उसने कंपेयर किया है, तो बस बहुत टाइम पास ही बात है। तो मेरे ख्याल से ये जो रेशो है, रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन रेशो ऑफ न्यूक्लियस, ये 10^5 है, इज इक्वल टू, अगर आप ऑब्जर्व करें, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ सन,
है ना, अगर वो कह रहा है वो रेशियो इक्वल है और आप अगर सन के रेडियस को 10^5 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है अर्थ का रेडियस रियल में इतना होता है और सन का रेडियस रियल में इतना होता है 10^8, तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 10^8 को 10^5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आएगा 10^13 जो कि रियल रेडियस से ज्यादा है। तो मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर ये रेशियो इक्वल होती तो अर्थ सन से दूर होती, ठीक है ना, अर्थ सन से दूर होती तो 365 डेज का आपका टाइम पीरियड नहीं होता, बस वो ये वाली बात। बट क्या टाइम बेकार सा कोई लंबी चौड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। हाँ ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका नीट का। हाँ बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया कि रदरफोर्ड ने अपना थ्योरी जरूर पोस्टुलेट किया था लेकिन उसको बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली हर चीज परफेक्शन से गीगर मार्सन ने की थी, ठीक है ना। तो ये भी आपके साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो जो वो रियल स्किंटिलेशन जिंक सल्फाइड अच्छी तरह वो दिखे, वो सारा जो सेटअप था वो आपको एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट बेटर वे में जो कंडक्ट किया था वो गीगर और मार्सन ने किया था, ठीक है। तो भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन आता है कि भैया आपने एक अल्फा पार्टिकल किसी काइनेटिक एनर्जी से मारा और मान लो बिल्कुल सामने मारा आपने गोल्ड न्यूक्लियस के, तो गोल्ड न्यूक्लियस का जो होता है वो प्लस जेड ही होता है और हम जानते हैं कि भैया ये इसके पास जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट से बेंड होके वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनका मिनिमम डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुका है, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आप क्या करते हो, आप एनर्जी को कंजर्व करते हो, तो यूआई प्लस के आई इज इक्वल टू यूएफ प्लस के एफ, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल बच्चों है आपकी जीरो, इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल मेरी कितनी हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल अगर आप देखो, अगर आप बिल्कुल यहां पे आ गए, सोच के देखो जरा, बिल्कुल आप यहां पे आ गए तो आप रुक गए, रेस्ट पे आ गए तो फाइनल पोटेंशियल आ जाएगी के क्यू वन इज टू ई, क्यू टू इज प्लस जेड ई बाय आर एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। तो यहां से बच्चों अगर आप डी की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा टू के ई स्क्वायर इंटू जेड बाय, सोच रहे हो ये टू की जगह एक्चुअली फोर ही आ जाएगा, है ना, इंटू ये एक्चुअली ये काइनेटिक एनर्जी ले लो, इसे कैपिटल के ही ले लो क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी ही गिवन है इस क्वेश्चन में 7.7, ठीक है ना, तो आपको वी में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अपॉन, हाँ जी अपॉन के, दिस इज दी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको के ले लेता हूं मैं, दैट इज दी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, आप इस तरह से आप निकाल दो डेटा वेटा सारा निकाल के, आपको वो डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। मेरे ख्याल से बहुत ईजी लॉलीपॉप हलवा क्वेश्चन है, लड्डू प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है तमाशलो, कौन सा प्रॉब्लम है जल्दी बताओ, लड्डू प्रॉब्लम है, चल ये चल, अरे जाग रहे हैं सो गए। हां जी महक जी, साक्षी जी, मेघना जी, लड्डू प्रॉब्लम है चल, यस चल, हम भी लड्डू सर, हम भी गुल्लू मुल्लू, प्रॉब्लम भी गुल्लू मुल्लू, सारे ही गुल्लू मुल्लू, दुनिया ही गुल्लू मुल्लू है पुत्र, दुनिया ही गोल है दुनिया ही लड्डू है। अच्छा मैंने कभी आपको बताया, दो मिनट गपशप मार लेंगे जरा, एक मिनट जरा, है ना, आपने कभी सोचा भगवान होंगे तो कैसे होंगे, हैं? चलो पंजाबी वे में आपको समझाता हूं मैं, भगवान जी कैसे होंगे, सुनना चाहते हो जरा, एक मिनट जरा सुनना चाहते हो, हैं? कौन कौन सुनना चाहता है जरा बताओ, भगवान जी अगर होंगे तो कैसे होंगे, ठीक है। आपका माइक, बेटा मेरी आवाज क्लियर है, कोई कह रहा है नॉइस आ रही है, एक बार जरा मुझे चैट पे लिख के बता दो, माई साउंड इज करेक्ट, बिल्कुल क्लीन सुनाई दे रही है आप लोगों को, साउंड आ रही है, साफ आ रही है सबको, आ रही है, यस सर आ रही है, ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा मुझे फटाफट बताओ जरा, फटाफट बताओ, चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है, हाँ चलो ठीक है, साउंड साफ आ रही है। आपको पता है अगर भगवान जी होंगे तो भगवान जी कैसे होंगे, अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूं, गॉड इज हलवाई, भगवान जी हलवाई जैसे होंगे, हलवाई यू नो हु इज वन, हलवाई इज दी, मैं कुछ बच्चों को शायद ना बताओ, हलवाई इज दी वन हु हैज स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान, मेरी फेवरेट जगह, ठीक है ना कैसे क्या, अरे हम भी भगवान के बच्चे, हमारा हक है, हम उनके थोड़े से हम ले सकते हैं मजे, कोई टेंशन नहीं है ना, कैसे, सोच के देखो जरा। आपको ये बात पता है कि दुनिया का हर मोशन, अब ध्यान से सुनना, ये सन है, सन के आसपास अर्थ घूम रही है ना, सन के आसपास अर्थ घूम रही है, और जो मून है वो किसके आसपास घूम रहे हैं, है ना, किसी ने अगर एच सी वर्मा थोड़ी बहुत पढ़ी है तो उसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं। आप देखो आपको दुनिया के बारे में पता लगता है, मैं चलो यही बता देता हूं ऐसे मजे लेने के लिए, वैसे इट इज नॉट लिंक्ड विद ऑल दीज थिंग्स। बेटा ये सन है, सोच के देखो, और ये आपकी अर्थ है, ध्यान से सुनना, है ना, और आपको पता है सन के आसपास अर्थ घूमती है, सन के आसपास अर्थ घूमती है अपने ऑर्बिट में, है ना, और आपको ये भी पता है कि जो मून है, जो मून है, है ना, आपका जो मून है बेटा, मून अर्थ के आसपास घूमता है, सोच के देखो, बट अर्थ कौन सा रुकी हुई है,
अर्थ कौन सा रुकी हुई है, अर्थ भी चलती जा रही है, समझ रहे हो? जो 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 मून है वो अर्थ के आसपास घूम रहा है और अर्थ क्या, अर्थ खुद घूम रही है। तो ये क्या बन गया, ये जलेबी बनी कि नहीं बनी, ये जलेबी बनी कि नहीं बनी। तो हम तो बेटा ऐसे ही बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, एलिप्टिकल मोशन कुछ नहीं है, रियल मोशन जो होते हैं वो जलेबी टाइप्स होते हैं। और इनफैक्ट इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन भी, अरे भाई आप बोलते हो कि ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूम रहा है, तो बेटा न्यूक्लियस कौन सा स्टेशनरी है? क्या एटम रुके हुए हैं दुनिया में? एटम भी अपनी भसड़ में भाग रहे हैं, एटम भी भाग रहे हैं। अब ये मान लो ये अगर आपका आगे जाएगा, ये सोचो अगर ये आगे जा रहा है, एटम आपका आगे जा रहा है, तो भैया इसने तो उसके आसपास ही घूमना है, तो समझ रहे हो? तो जो मोशन है वो घूमता भी जाएगा साथ साथ आगे भी चलता है। तो दुनिया का हर मोशन जब भगवान जी ने बनाया है ऊपर से वो जलेबी जैसा बनाया है, एवरी मोशन इन द वर्ल्ड इज अ जलेबी मोशन, ठीक है? तो मिठाई बिल्कुल बुरी नहीं होती, दुनिया कहती है भाई ज्यादा शुगर नहीं खानी, अरे भाई शुगर खाओ, अच्छा भगवान ने बना के दिए, तुम कौन होते हो? ये तो परमात्मा का निर्माण है, तुम कौन हो इसके बीच में टांग अड़ाने वाले, ठीक है? तमातल जाग ले खुश होते, हाँ जी सर हमारी बढ़िया है सर, भगवान जी भी हलवाई हैं, इनके टीचर भी हलवाई हैं, है ना? हाँ विनय सर भी हलवाई, वाले मिल गए इनको एकदम। चलो आ जाओ भैया, सवाल भी आते हैं, सवाल क्या था, बहुत बढ़िया आपका, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट नहीं है? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट सही है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब फोर्स, ये भी बात सही है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं और कूलम्ब फोर्स उनको अट्रैक्ट कर रही है। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम and its positive charge are at the center, ये भी सही है, and the stability of atom was established by the model, तो ये बात जो है आपकी absolutely गलत है, Rutherford ने stability के ऊपर बात नहीं की थी, so that is the wrong statement, ठीक है? Okay, तो बच्चों अब यहाँ पे बात आती है, अब यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स की, ठीक है? अब ध्यान से देखना जरा मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स की बात आती है कि वही जो बात Rutherford ने की, Rutherford ने ये बोला कि भैया ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अगर घूम रहे हैं तो सेंट्रीपेटल फोर्स उनको कौन दे रहा होगा, उनको वो कूलम्बिक फोर्स मिल रही होगी जिसकी वजह से उनका, जिसकी वजह से उनका वेलोसिटी उनको मिल रहा होगा, और ये जो कूलम्बिक फोर्स होगी ये होगी K Q1 Q2 / r², देख सकते हो आप K Q1 Q2, मतलब ये प्लस ई अगर हाइड्रोजन की बात करें, ये माइनस ई अपॉन आर स्क्वेयर, और ये mv² / r के बराबर है, ठीक है? बच्चों मैं बार बार रिपीट करता हूं, पहली इक्वेशन जो थी ये Rutherford ने दी थी, बोहर ने ऐड की थी, सेकंड जो इक्वेशन थी ना mvr = nh/2π, ये बोहर की थी, ठीक है? तो बहुत बच्चों को लगता है दोनों इक्वेशंस बोहर की हैं, ऐसा नहीं है, पहली इक्वेशन Rutherford की थी, उसमें अब इसकी कुछ लिमिटेशन बताने वाला हूं, तो उसको ओवरकम करने के लिए बोहर ने अपनी थ्योरी दी थी, और बोहर की थ्योरी के 10 साल बाद इसे डी ब्रॉगली ने वेरीफाई किया था, ठीक है ना? इतिहास के पन्ने कुछ इस तरह से आपके चलते हैं, ठीक है? तो दिस इज फॉर बोहर, दिस इज नॉट फॉर Rutherford, ठीक है ना? ये सिर्फ बोहर की थ्योरी थी। तो ये इक्वेशन जो पिछला सवाल भी था आपका कि भैया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब फोर्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये बोहर ने ही दी थी आपकी, ठीक है? ओके, तो ये जो है बेटा ये mv² / r के बराबर है। अब यहां से उसने क्या किया, हाफ mv² ले लिया, इसको हाफ से डिवाइड कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। देखो अब रेडियस को निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए थी, वेलोसिटी भाई के पास थी नहीं, है ना, जिसको फिर बोहर ने निकाल के दिखाया, और ये सारी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली उसने हाफ mv² करके, और पोटेंशियल एनर्जी उसने निकाल ली माइनस K Q1 Q2 / r, दोनों का सम कर दिया, टोटल एनर्जी जो आई वो नेगेटिव आई, ठीक है? तो ये सारी बातें आपकी Rutherford की थी, मुद्दे की बात ये, ये सिंपल सा एक डेटा वाला क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात यहां पे आएगी आपकी एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, जिसमें हमें ये पता लगा, जिसमें हमें ये पता लगा, मुद्दे की बात अब यहां पे आ रही है कि भैया एक्चुअली में जो आपको वेवलेंथ मिल रही है, है ना, जो वेवलेंथ मिल रही है वो डिस्क्रीट वेवलेंथ मिल रही है, ठीक है? मतलब इसका ये था, आप सब ये बात जानते हैं कि भैया एक्चुअली में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो जब जब आपका फोटोन ऊपर से नीचे ट्रांजिशन करता है तब तब आपके जो फोटोन्स हैं वो निकलते जाते हैं, और उन फोटोन्स का एक डिफरेंट एनर्जी होता है, मतलब समझ रहे हो, एक यूनिक वेवलेंथ होता है, मतलब उस फोटोन की जो एनर्जी आएगी दैट इज hc/λ, वो रिस्पॉन्सिबल होगी इनके एनर्जी गैप के। तो इसका एनर्जी E2 है, उसका एनर्जी E1 है, वो E2 - E1 के बराबर, मतलब सीधी सी बात है यार, यहां पे समझ रहे हो, है ना? तो ये जो एनर्जीज जो उसने ऑब्जर्व किया Rutherford ने, कि बेसिकली मेरे को डिफरेंट सीरीज, ये सब सुनी हुई है हमने, अभी ऑफिशियली हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, लाइमन बामर पास्टन ब्रैक सीरीज और पफंड सीरीज, ये सारी आपकी सीरीज आपकी आ रही है और यूनिक वेवलेंथ की आ रही है। अब प्रॉब्लम ये थी कि Rutherford एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना, ये सारी थ्योरी बोहर की है, दिस इज अ बोहर थ्योरी,
ये सारी उसकी अब लिमिटेशंस बताई गई हैं कि यार ये क्यों आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, जिसको बोहर ने एक्सप्लेन किया क्योंकि भैया वो ट्रांजिशन करते हैं तो यहां पे आपका मॉडल फेल हो गया, ठीक है। और आप देख सकते हो यहां पे हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम एंड देयरफॉर हैज द सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम आपको यहां पे दिख रहा है हाइड्रोजन का, आप अगर यहां पे ऑब्जर्व करें तो उसने क्या किया, उसने सीरीज को बनाया है ना, तो आप देख सकते हो हाँ ये जो सीरीज उसने दी है ये बामर सीरीज आपको दी है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। हाँ ये भी आप बच्चों याद रखना, ये जो लाइमन सीरीज लाई करती है आपकी जब आप फर्स्ट ऑर्बिट पे आते हैं एन इक्वल टू वन पे, है ना, लाइमन सीरीज जो होती है वो एन इक्वल टू वन के लिए होती है और ये यूवी रीजन में लाई करती है, ठीक है। ये जो बामर सीरीज होती है इसकी रेंज देखो आप, इसकी रेंज कितनी प्यारी है, ये है 365 नैनोमीटर से लेके 656 नैनोमीटर, ये विजिबल लाइट की रेंज है, ये विजिबल लाइट की रेंज है। तो ये जो बामर सीरीज है ये n इक्वल टू 2 के लिए वैलिड है और ये विजिबल रीजन में आती है, दिस इज इन विजिबल रीजन, ठीक है। और आगे जो पाश्चन ब्रैकेट पफंड सीरीज जो सारी लाई करती है ये आपकी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। अब इसी बामर सीरीज को सबसे पहले बामर सीरीज डिटेक्ट हुई थी क्योंकि वो विजिबल में आती है, तो इसी बामर सीरीज को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसकी जो रेंज है 650 नैनोमीटर से लेके 656 नैनोमीटर तक आपकी जा रही है, ठीक है। और आप सोच के देखो जब वेवलेंथ ज्यादा होगी, मतलब ये वाली वेवलेंथ कब मिलेगी हमें, सोच के देखो, वेवलेंथ मैक्सिमम मतलब एनर्जी गैप मिनिमम, तो जब आप n इक्वल टू 1 ले लो, n इक्वल टू 2 ले लो, n इक्वल टू 3 ले लो, ये बेटा मैं आपको बता रहा हूं है ना, क्योंकि आपको पता है लेकिन उस टाइम पे नहीं पता लग रहा था कि ये 3 से 2 जब आएगा तो हमें 6, ये डेटा भी याद रखो, 656 नैनोमीटर मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी। इसको हम बोलते हैं एच अल्फा, क्या बोलते हैं एच अल्फा, ऐसे ही 4 से 2 आएगा तो एच बीटा, ठीक है ना, फिर आपको अगली लाइन एच बीटा मिलेगी, फिर गामा मिलेगी। और आप देख रहे हो कि भैया एक टाइम के बाद तो एनर्जी नियरली सेम है, मतलब वेवलेंथ जो है, देखो लाइंस बहुत पास आ गई, इनकी स्पेसिंग कम होगी, ये सब बातें यहां पे लिखी हुई हैं, इनकी स्पेसिंग कम होगी, इतनी कम हो गई कि एक टाइम के बाद वो नियरली ओवरलैप कर गई, ठीक है, नियरली ओवरलैप। तो ये क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के पास नहीं था, तो रदरफोर्ड भैया जो थे हमारे वो थोड़े से उदास हो गए, ठीक है। फिर उन्हीं के स्टूडेंट ने, बोहर ने सबको एक्सप्लेन किया, डन डन, ठीक है। तो ये देखो ये फॉर्मूला सबको पता है, रिडबर्ग कांस्टेंट वाला, है ना, एवरीवन ऑल ऑफ यू नो इट। तो लाइमन, ऐसी लाइमन सीरीज जब डिटेक्ट हुई तो 1/1 स्क्वायर, 1 पे आप आओगे माइनस एन से, ऐसे ही फिर आपकी पाश्चन के लिए, फिर ब्रैकेट के लिए, फिर ये पफंड सीरीज के लिए, आप समझ रहे हो। हमारे, मैंने कई बार बताया, हमारे एक सर थे बहुत बढ़िया, जब वो पढ़ाते थे तो पफंड सीरीज को पढ़ाते, बड़े खुश मुझे जग रहे, अरे पफंड सीरीज आई है, मतलब है ना, मुझे आज भी उनका वो चेहरा याद आ जाता है, हाँ जी विनय पफंड सीरीज है, बड़े खुश होकर पढ़ाते थे, एक्चुअली पी फंड बोलते हैं, तो वो पंजाब में पंजाबी वजह पफंड बोलते थे, पफंड सीरीज आई है। तो यार ये सारी बातें जो थी आपकी ये चलती गई, और ये डिस्क्रीट एनर्जीज क्यों आ रही हैं इसको एक्सप्लेन करने में हमारे रदरफोर्ड भैया की ऐसी तैसी हो गई। अब इसको एक्सप्लेन किया हमारे बोहर भैया ने, ठीक है। अब यहां से आपका बोहर मॉडल आ गया कि यार ये डिफरेंट लाइंस की सीरीज हमें क्यों मिल रही है, ठीक है। तो बोहर ने क्या किया भैया, बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये कुछ एक सवाल है नीट का 2017 का, पहले आप ये कर लो, अच्छा इन्होंने पहले हमने सवाल दे दिया तो पहले हम ये कर लेते हैं भैया, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आपको क्या कह रहे थे, रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन इन बामर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। मेरे ख्याल से ये बहुत क्लियर वाली बात है, आपकी लाइमन सीरीज कौन सी होती है, एन इक्वल टू वन से टू पे आ जाओ, थ्री से आ जाओ, है ना, एस पे आ जाओ, और ऐसे ही बामर सीरीज कौन सी होगी आपकी, सोच के देखो जरा। अगर मैं काम करता हूं इसी को ही एक्सटेंड कर देता हूं, तो आप सोच के देखो लाइमन सीरीज में कौन कौन सी लाइन आ सकती है, टू से वन आ जाओ, थ्री से वन आ जाओ, फोर से वन आ जाओ, ऐसे ही इन्फिनिटी से जब वन आओगे तो मेरे ख्याल से दैट इज द लास्ट लाइन, ये हमारी लास्ट लाइन आपकी निकल के आएगी, समझ रहे हो। यान ऐसे ही आपकी मेरे ख्याल से जो बामर सीरीज है, जब आप n इक्वल टू 2 पे निकल के आओगे, सिंपल प्रॉब्लम है यार, है ना, तो आप ऐसे ले लो तो जो लास्ट लाइन आपकी वहां से निकल के आएगी आपको वो मिल जाएगी, डन। तो आपको उनकी जो रेशियो है वो निकाल के सिंपली आपको अपना आंसर देना है, तो सिंपल प्रॉब्लम है नीट का, आप इसे देख सकते हो, नॉट अ बिग डील एट ऑल, ठीक है, डन डन, ठीक है ना। इन्फिनिटी से 2 पे आ जाओ लास्ट लाइन, इन्फिनिटी से 1 पे आ जाओ लास्ट लाइन, इनको डिवाइड कर लो, यू विल गेट द आंसर एज 4। ओके, अब आपको बेटा बोहर की हम ये बात बता रहे थे, जब बोहर आया तो ये रदरफोर्ड की लिमिटेशन है कि जब भी एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो वो एक्सेलरेट करता है, एंड इफ इट एक्सेलरेट्स तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी को अगर रेडिएट करेगा तो उसकी एनर्जी जो होगी वो कम होती जाएगी। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल बीइंग कांस्टेंटली एक्सेलरेटेड, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से अगर आपका एक नेगेटिव चार्ज है, वो अगर बच्चों सर्कल में घूम रहा है विद वेलोसिटी वी, तो डेफिनेटली उसकी जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ है, जिसे हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो जब भी एक पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि वो भैया एक एनर्जी को रेडिएट करता है, वो एनर्जी को रेडिएट करता है,
है ना, एनर्जी रेडिएट करता है। तो जब वो एनर्जी को रेडिएट करेगा तो उसके पैसे कम हो रहे हैं, है ना। पंजाब में शादी हो रही है, पंजाब में शादी हो रही है, हर बंदा उस वक्त ये रदरफोर्ड का मॉडल बना होता है, हर बंदे के जेब में पैसे होते हैं और वो रेडिएट करता है, तो भैया पैसे कम होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। मुस्कान जी, लो जी आपका नाम ले लिया, नमस्कार, और बताइए, है ना, है ना, यस सर। अच्छा, साउंड की प्रॉब्लम आ रही है क्या यार, कुछ बच्चे कह रहे हैं, जल्दी बताओ, साउंड की दिक्कत आ रही है क्या, जल्दी बताओ, साउंड क्लियर है क्या, है, यस सर, क्लियर है, ऑल क्लियर, ठीक है। तो कुछ बच्चों को, कुछ बच्चों को आ रही है, ज्यादा बच्चों को क्लियर है, क्रैकिंग साउंड आ रहा है, क्रैकिंग साउंड आ रहा है, ऑल क्लियर, नहीं आ रहा, अच्छा, नाउ एंड देन क्रैक कर रहा है, क्लियर है, ओके, ठीक है सर, कभी क्रैक करता है, ठीक है, बीच बीच में, ठीक है, डन, ओके, ठीक है। विवेक सिंह जी, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भैया देखो, बहुत बच्चों को क्लियर है, ठीक है, अगर ज्यादा बच्चों को होता तो मैं जरूर रिफ्रेश करता, तो मेरे को लग रहा है कुछ बच्चों को क्रैकिंग साउंड आ रहा है, तो एक बार आप अपना अपना वो कर लीजिए, है ना, हाँ, अपना एक बार रिफ्रेश कर लो आप सिस्टम, मेरे को लगता है कि बाकी बाकी मैं कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो को दोबारा देखता हूँ एक बार, है ना, आफ्टर दी सेशन, तो अगर मुझे लग रहा है आ रहा है तो फिर मैं एक बार अपना यहाँ पे जुगाड़ चेंज करूंगा यहाँ पे, ठीक है, डन 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 डन। कोई पिक ऑफ द डे कह रहा है हमारा भाई, अच्छा ये भाई अपना बहुत बढ़िया आदमी है, ये मुझे कुछ ना कुछ वीडियो भेजता रहता है, हाँ जी, 720 out of 720, अच्छा 720 700 में से, बेटा आपसे रजनीकांत, इतने नंबर अगर आपके आ गए तो, ठीक है। अच्छा जी, एक कोई कह रहा है मैं ऑफ करके ऑन कर देता हूँ, ले मेरे भाई, ले ले, ऑन कर दिया, ठीक है, लो ये ऑफ ऑन कर दिया मैंने, अब मुझे तंग मत करना, ठीक है, अब आ जाओ, डन, चलो, ठीक है। तो भैया आपकी जो एनर्जी है वो आपकी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। मैं एक बार जो हमारे ऑपरेटर है रंजन जी, रंजन भाई मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आपको ऑडिबल हूं, रंजन भाई मेरे को बताओ, आवाज ठीक है, साउंड इज गुड, बच्चे कह रहे हैं, तो अगर आपको ठीक लग रहा है तो फिर मैं रिफ्रेश नहीं करूंगा, अगर है तो फिर मुझे आप बता दो, साउंड इज गुड, रंजन भाई जल्दी बताओ, रंजन भाई खुद जाग रहे हैं, सो गए, तो मुझे भी डाउट आ रहा है, ऑल कहाँ रहे, जाग रहे हैं हमारे रंजन भाई जाग रहे हैं, ठीक है, तो साउंड इज गुड, रिफ्रेशिंग की जरूरत है, ठीक है, हाँ, तो आ रहा है मैसेज आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या सीन है, आप देख सकते हो कि आपका, हाँ जी आया है, कुछ आया है, आ रहा है, आ रहा है, तो आप बच्चों देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है वो आपका वो राउंड 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 घूमता जा रहा है, और एनर्जी रेडिएट करके फाइनली वो उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ठीक है, और जब वो फाइनली, ठीक है, हाँ जी, अब क्लियर हो गया क्या, हाँ जी, हाँ हो गया, हो गया, हो गया, बीच बीच में समटाइम, ठीक है, तो हाँ बच्चों, बच्चे भी कह रहे हैं, रंजन भाई भी कह रहे हैं कि बीच बीच में कभी कभी आता है क्रैकिंग साउंड, तो एक सेकंड फिर मैं काम करता हूं, मैं आपको बेटा रिफ्रेश कर ही लेता हूं, एक सेकंड लगेगा बस, हाँ जी बच्चों, अब देखो अब सेट ठीक होगा, अब आई होप इट विल बी फाइन, अब मैंने रिफ्रेश किया है दोबारा, ठीक है, तो अब इट विल बी फाइन, ठीक है। तो बच्चों ये इसके अंदर गिर जाना चाहिए, तो ये उसकी लिमिटेशन थी, आप सब इस बात को जानते हैं, बट ऐसा नहीं होता, वो उसके अंदर नहीं गिरता, तो बेसिकली आपका ये जो था पोस्टुलेट, आपका ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, एज द इलेक्ट्रॉन स्पायरल इनवर्स देयर एंगुलर वेलोसिटी एंड हेंस द फ्रीक्वेंसी विल चेंज कंटिन्यूअसली, तो बट वो सब नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं गिरता, आइडियली गिर जाना चाहिए, बट वो नहीं गिरता, जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, डन, ठीक है। अब बच्चों आगे जो हमारा पॉइंट आता है, यहाँ पे आते हैं बोहर भाई, यहाँ पे अब आते हैं बोहर भाई, ठीक है ना, और बोहर जो सबसे बड़ी बात थी, बोहर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड, तो मतलब समझ रहे हो, थॉमसन, जे जे थॉमसन के स्टूडेंट थे हमारे रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट थे वो थे हमारे बोहर, तो बोहर ने आगे इस चीज को और क्लियर किया, तो उन्होंने ये बोला, सबसे पहला पॉइंट उनका क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट दैट एटम कुड रिवॉल्व इन अ सर्टन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, तो वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा था कि यार तुम जो सोच रहे हो ना कि वो रेडिएट करेगा, वो रेडिएट कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो एक सर्टन स्टेबल ऑर्बिट है, स्टेबल ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी, तो यार आप इस बात को समझो कि मैं अगर, मेरी जेब में पैसे हैं, एनर्जी है मेरे पास, लेकिन वो स्टेबल है, मैं पागल नहीं हूं वहां जाके, तो वो एनर्जी, वो पैकेट, अगर मुझे उस घर में जाना है तो मुझे वो पैसे रखने ही पड़ेंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन वहां पर था तो उसकी एनर्जी फिक्स थी,
वो रेडिएट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वो रेडिएट करेगा वो उस ऑर्बिट में रह ही नहीं सकता। तो अगर वो वहां पे है तो मतलब वो ऑलरेडी वहां पे पैक हो चुका है, उसकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ये उसने पहला इंफॉर्मेशन अपना पोस्टुलेट का यहाँ पे दिया था, ठीक है, बड़े बड़े प्यारे प्यारे बातें, ठीक है। सेकेंड जो उसने बच्चों दिया था, ये देखिए अगर आप यहाँ पे देखें, है ना, जो सेकेंड था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये जो बोहर का जो सेकेंड मॉडल था कि जो एंगुलर मोमेंटम है, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगुलर मोमेंटम जो था वो था मेरा mvr एंड इट इज क्वांटाइज्ड, इट इज nh अपॉन 2π, ये मेरा क्वांटाइज्ड था, ठीक है। ये बिल्कुल वही वाली बात होगी, आपने सुना होगा चार्जेस क्वांटाइज्ड, क्यू इज प्लस माइनस एनी, मतलब चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा, ई एग्जिस्ट करेगा, टू ई एग्जिस्ट करेगा, थ्री एग्जिस्ट करेगा, उसी तरह उसने बोला कि एंगुलर मोमेंटम जब भी एग्जिस्ट करेगा वो एच अपॉन टू पाई का इंटीजर मल्टीपल होगा, ठीक है। इसको डी ब्रॉगली ने बाद में प्रूव भी करके बताया था, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ द बोहर। और थर्ड पोस्टुलेट आपके सामने ये बेटा, थर्ड पोस्टुलेट आपके सामने ये एनिमेशन के फॉर्म में दिख रहा है कि जब ये स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहे हैं और उसे अगर दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो उसको फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है, और जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो फोटोन को रिलीज करेगा। बड़ी सीधी बात है यार, मेरी जेब में 50 रुपए हैं, है ना, इस घर में मेरे पास 50 रुपए हैं, मुझे इस घर में जाने के लिए 70 रुपए चाहिए, तो बड़ी सीधी सी बात है अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो मुझे 20 रुपए लेने पड़ेंगे, मैं फोटोन को एब्जॉर्ब करूंगा, कोई फोटोन आएगा, और अगर मैं वहां से वहां आऊंगा, आप देख सकते हो एनिमेशन बड़ी प्यारी है, जब आप नीचे आते हो तो फोटोन निकलता है, जब आप ऊपर जा रहे हो तो फोटोन एब्जॉर्ब होगा, ठीक है ना। अभी देखो ये एब्जॉर्ब हुआ, ऊपर चढ़ गया, अभी ये नीचे आएगा तो बाहर निकल गया आपका, तो समथिंग लाइक दैट इज अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है जी। तो बच्चों ये सारे पोस्टुलेट्स बेटा चैट में लिख के बताओ, समझ में आ रहा है अपने को, क्या हम जाग रहे हैं, आवाज क्लियर है। अमन भैया कह रहे हैं मैं तो बच्चा हूं, बेटा तू बच्चा नहीं है, तू बदतमीज है, पढ़ाई कर ले, पढ़ा लो तेरे को, नॉनसेंस, मैं बच्चा हूं, घुसुनू मार के बता दूंगा तेरे को मैं क्या है तू, हाँ आ जा इधर। हाँ जी गाइस, डन 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 डन, जल्दी बताएं समझ में आ गया, एंजॉय कर रहे हैं, पल्ले पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों फिर जो कहानी स्टार्ट होती है, ये सारी डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक मिनट में हम दोबारा भी कर सकते हैं, ताकि एक बार क्विकली फटाफट रिकैप कर लें कि भैया हो क्या रहा है। बच्चों आपके पास एक न्यूक्लियस है प्लस ZE, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है दैट इज माइनस ई, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कल में विद वेलोसिटी वी, आपकी जो फोर्स होगी वो होगी आपकी अट्रैक्टिव फोर्स, और वो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी के, Q1 इज ZE, Q2 इज ई, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। और ये वाली जो मेरी फोर्स होगी ये रिस्पॉन्सिबल होगी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए, दैट इज इक्वल टू mv2/r, ये mv2/r के बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप बेटा थोड़ी सी बात को और जहां पे समझ के देखें, ये आपका r से r यहाँ कट गया, तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है के ZE2/r इज इक्वल टू mv2, ठीक है। अब रेडियस और वेलोसिटी में ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, अब रदरफोर्ड यहाँ पे फंस गया था, उसे सेकंड इक्वेशन नहीं मिली, सेकंड इक्वेशन बोहर भाई ने अपनी दे दी, और वो उन्होंने ये बोला कि भैया जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है, दैट इज इक्वल टू nh/2π, ठीक है। तो यहां से बच्चों अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू को एलिमिनेट कर दें और इस फॉर्मूले में यहां पे आप फिट कर दें तो आप अपना रेडियस का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप बच्चों जब रेडियस का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं, मैं यहां पे इसे लिख देता हूं, तो आपके पास रेडियस कितना आ रहा है, दैट इज के ZE2 अपॉन m v2, और v का स्क्वेयर अगर आप यहां पर लिख दो, हाँ जी v का स्क्वेयर अगर आप अपना यहां पर लिख दो तो आपके पास यहां पर आ रहा है v का स्क्वेयर इज n²h², है ना, n²h², और ऊपर आपके पास आ जाएगा 4π² m×r², ये mr आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद बस थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन ही है, मेरे ख्याल से आप कर लोगे यार, मुझे कराने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे आप देख लो, ये r से r आपका कट गया, है ना, ये एक r बचा, बाकी सारा आप उठा के आप उधर ले जाओ, तो आप यहाँ पे बच्चों ऑब्जर्व करोगे r इज सम कॉन्स्टेंट, नोटिस कर लो, सम कॉन्स्टेंट इंटू n² बाय z, और वो जो सारा कांस्टेंट है वो सारा एच सारा आप कटकटा कर लो तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज 0.529 angstrom, ठीक है। तो ये जो रेडियस की वैल्यू निकली है बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये n स्क्वेयर है और क्योंकि ये एटम के लिए है तो z की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये रेडियस आ गया। अब ये रेडियस बेटा आप यहाँ फिट कर दो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी और वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आती है 2.28×10⁶ m/s (z)/n। तो ये सारी कैलकुलेशन, बस ये सेकंड इक्वेशन जब आ गई ना, मुद्दे की बात ये है, जब ये सेकंड इक्वेशन बच्चों आ गई ना तो बोहर का काम आसान हो गया, ठीक है। डन, जाग ले हैं तमातल, जाग ले हैं, जाग ले हैं सर, जाग ले, बिल्कुल जाग ले हैं सर, है ना। इसी तरह बच्चों आपने एनर्जी को निकाला, ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली हाफ एम वी स्क्वायर, तो जो पिछले केस में आपने वेलोसिटी निकाली है वो आपने यहाँ फिल की, सॉल्व करके आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है माइनस के क्यू वन क्यू टू, क्यू क्यू वन इज जेड ई, क्यू टू इज ई, चार्ज जो था वो इलेक्ट्रॉन था बाय आर, है ना। तो अगर आप ये वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास माइनस 27.2, उसका डबल आती है ना, माइनस ऑफ 27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जो टोटल एनर्जी होती है बेटा वो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो वो आती है माइनस 13.6 इंटू एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर एंड द आंसर इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो टोटल एनर्जी भी आपके सामने यहां से निकल आएगी, ठीक है, डन डन, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है स्पीड स्लो कर लो, भाई ये YouTube है, मतलब समझो YouTube पे हम एक हद से ज्यादा स्लो नहीं हो सकते, इट इज मेजरली वन साइडेड, आपको सिर्फ सुनना है समझना है, ठीक है। स्टिल स्लो स्पीड चाहिए तो भैया उसके लिए पेड प्लेटफॉर्म है, वहां पे आए वहां टीचर आराम से गुल्लू गुल्लू करके आपको पढ़ाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। हाँ ठीक है जी, डन 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 डन, ओके ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से बच्चा पार्टी आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया, ये आपका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे टोटल एनर्जी आ गया, ठीक है। और इसी के साथ बच्चों अगर आप थोड़े से इसके अंदर क्वेश्चंस देखें तो बोहर एटॉमिक मॉडल में द सर्कमफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज ऑलवेज एन, हाँ ये बेटा आप याद रखना, ये सवाल मैं आपको ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये डी ब्रॉगली ने बताया था, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपका कि भैया ये आपका जो ऑर्बिट होता है डी ब्रॉगली का, है ना, ये डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया था, यहां से ये निकला था कि बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन घूमता है आपका उस स्टेबल ऑर्बिट में, तो सोच के देखो जो सर्कमफेरेंस होगा 2πr, सर्कमफेरेंस होगा जो 2πr टोटल, आप सोच के देखो अगर ये एक वेवलेंथ आएगी फिर ये से दूसरी वेवलेंथ आएगी, तो डी ब्रॉगली ने ये बोला था अंदर वेवलेंथ बनती है ना, तो क्यों बनती है, स्टैंडिंग वेव्स बनती है, और उसने यही यहां से ये कंक्लूड किया था कि जब भी वो ये एक वेवलेंथ दो वेवलेंथ, तो जब भी ये सर्कमफेरेंस बनेगा ये 2πr जो होगा वो एन लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है। ये आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल लगे थे इस, आपको लग रहा है विनय सर ने फटाफट लिख दी, डी ब्रॉगली को यहां तक पहुंचने में 10 साल लगे, ये एनसीईआरटी में लिखा है, मैं दिखाने वाला हूं आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ रखा है भैया, और लैम्डा को यहां पर आप डाल दें, एन लैम्डा इज एच बाय एम वी, डी ब्रॉगली ने जो दिया था, तो आप देख सकते हो एम वी आर, ये सारा इकट्ठा कर दो, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, तो यहां से ये प्रूव हो गया था, तो जो सर्कमफेरेंस है इट इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। और ये भी कैसे हुआ, मतलब ये भी मैं आपको बता देता हूं, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने बड़ी सीधी सी बात बोली कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, तो वो एक वेव है, और जितनी भी अंदर वेव्स बनेंगी, देखो ऐसा कभी नहीं होता, मतलब उसने वो कंडीशन स्टैंडिंग वेव के लिए कि जो एंड्स होते हैं वहां पे नोड बनता है, फ्री एंड पे जो बनता है वो एंटी नोड बनता है, उसने उसी कंडीशन को लगा कि जब भी वो वेव बनेगी आपकी स्टैंडिंग वेव जो भी अंदर बनेगी, है ना, अंदर स्टैंडिंग वेव क्यों बनेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो वेव पीछे आगे दोनों जाएगी, इंटरफेयर करेंगे तो एक स्टैंडिंग वेव बनेगी, और उसने उस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, वेव आपकी एन लैम्डा के हिसाब से बनेगी, डन डन बच्चों। और तमात लो आला है समझ में, ठीक है, नहीं आला जल्दी बोलो, कोई कह रहा है मुझसे बात करनी है vinay.shur@vedantu.com पे, आप अपना जो भी जीवन में दुख चल रहा है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका निवारण करने की, ठीक है, यहां YouTube पे तो बात हो नहीं पाएगी, vinay.shur@vedantu.com पे आप अपना भेज सकते हो, ठीक है, ओके, जय माता दी जय माता दी, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बात की गई है, आप लोग वो भी जो भी हमने निकाला सर्कल में घूमने का जो टाइम पीरियड होता है वो किसके बराबर होता है 2πr/v, तो इजीली आप रेडियस और वेलोसिटी दोनों की वैल्यू डाल के आप टाइम पीरियड को भी निकाल सकते हो, ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है आपका जो आता है, ठीक है ना। रेडियस एन स्क्वायर पर डिपेंड कर रहे हैं, अभी मैंने निकाला 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, तो उस चीज को दोबारा प्रूव करना है, देखो आप सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर आपकी टोटल एनर्जी इसके बराबर है तो बड़ी सीधी बात है काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी और पोटेंशियल उसका डबल होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, है ना, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उसका डबल होगी, ये सारा अभी मैंने आपको बताया है, -27.2 एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, बड़े प्यारे प्यारे लॉलीपॉप्स क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, देखो भाई ये एनसीईआरटी के लेक्चर के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम एनसीईआरटी के लेक्चर के अंदर नीट के क्वेश्चन भी कर रहे हैं और हम बोर्ड्स के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो हमें पूरा होलिस्टिक व्यू मिल रहा है टॉपिक का, डन 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 डन, चक दे फटे, जय माता दी। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी, बड़ी सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी जितनी पॉजिटिव होती है उतनी ही टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, तो मतलब रेशियो जो होगी वो होगी 1:-1, रेशियो पूछी गई है नीट 2018 का सवाल है, डन कर चुके हैं आपको,
है ना, नहीं ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, ध्यान रखना टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, मतलब अगर अगर वो पोटेंशियल काइनेटिक 3.4 थी, टोटल जो थी पिछले क्वेश्चन में वो माइनस 3.4 थी, तो रेशियो इज 1:-1, ठीक है याद रखना, ए नहीं आएगा, बहुत बच्चों ने ए लिख दिया, डन, चक दे फटे सर, जय माता दी, ठीक है ओके। अब बच्चों आगे चलते हैं, आगे आप देखिए, हाँ ये एक ना बड़ी अच्छी यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ऑर्बिट वर्सेस स्टेट ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है ना, वैसे ये नहीं चाहिए बट जस्ट शौक के तौर पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी में इसके ऊपर कुछ लिखा है तो कुछ तो हमारा बात करना तो बेटा फर्ज बनता है यहाँ पे। ऑर्बिट वर्सेस स्टेट मतलब क्या है इस बात का, ठीक है, वो आपको ये कह रहा है कि भैया जो बोहर ने बोला उसने वर्ड दिया ऑर्बिट, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बोहर ने जो वर्ड दिया वो दिया ऑर्बिट कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन स्टेबल ऑर्बिट्स, है ना, स्टेबल ऑर्बिट्स, ठीक है, उसमें रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ये थोड़ी सी और हाई लेवल बात है, थोड़ा बहुत आप सबने शायद केमिस्ट्री में सुना भी हो कि जो ऑर्बिटल वर्ड है ना ये दिया था श्रोडिंजर ने, किसने दिया था ये, और बहुत बड़ा बाबा था श्रोडिंजर साइंटिस्ट ने, ठीक है ना, जिसने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में बात की थी, जिसने एक बहुत बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी। देखो मैं आपको एक और बात बताता हूं, श्रोडिंजर ने ना बहुत लंबी डिफरेंशियल इक्वेशन सुनी होगी आपने, मतलब अगर थोड़ा बहुत आप जानते हैं, हमारे अभी पूरी सिलेबस में वो नहीं है, तो श्रोडिंजर ने एक वर्ड यूज किया था कि एक्चुअली ऑर्बिट नहीं होता, ऑर्बिट नहीं होता, अगर आपने बेटा ऑर्बिट वर्ड ले लिया तो आपने पोजीशन डिफाइन कर दी, अगर आपने ऑर्बिट फिक्स कर दिया तो मतलब आपको पता है वो कितनी दूरी पे पड़ा है, और अगर आपने पोजीशन डिफाइन कर दी तो मतलब आपने पाथ में अनसर्टिनिटी जीरो कर दी, तो मोमेंटम में अनसर्टिनिटी इन्फिनिट होगी। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है श्रोडिंजर ने ये कहा था कि भैया एक रीजन होगा, उस रीजन के अंदर ऑर्बिट के आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना, भी ऑर्बिट को हम ढूंढ नहीं सकते एग्जैक्ट, क्यों, क्योंकि आपकी अनसर्टिनिटी, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल याद रखो, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, याद होगा आपको, है ना, ये किया होगा कि आपका मोमेंटम इनफाइनाइट अनसर्टिनिटी पे चला जाएगा अगर आपने आर को फिक्स कर दिया। तो श्रोडिंजर सेज कि भैया देयर विल बी अ रीजन जिसके अंदर ऑर्बिट को ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, कहीं पे जो ऑर्बिट होगा वो मैक्सिमम होगी, और उस पर्टिकुलर रीजन का जो नाम है उसने रख दिया, इस रीजन का जो नाम है इसको उसने बोल दिया ऑर्बिटल, इसको क्या बोल दिया उसने, ऑर्बिटल। तो ये थोड़ी सी और हाई लेवल बात है, ठीक है, और मैं आपको एक और बात बताता हूं, इस बात को आप याद रखना, इस बात को आप याद रखना, बस वैसे सुनने के लिए थोड़ा मजा और साइंस में लेने के लिए, इन सुनना चाहते पहले बताओ, मैं नहीं बता रहा, जाग दो रहे नहीं तुम लोग, जाग तो रही नहीं, पहले पता तो लगे मुझे बच्चे जाग रहे हैं, मैं क्यों बताऊं, मेरे को क्या मिलेगा, बता तो जागते तो है नहीं, तो है यस चल, यस चल जा ले, तुम लोग पता कैसे हो, मुझे कई बार विजुलाइज हो रहा होता है एकदम बेहोशी में ऐसे सो रहे होते हैं, एकदम से माहौल बना के, ठीक है, फिर तो एकदम से मैं सर बोलता हूँ मैं नहीं बताऊंगा, जाऊंगा, हाँ सर जाग ले सर, जाग ले सर, नशे में नहीं है सर, जाग ले, है ना, जाग रहे हैं सर, ठीक है। तो आपको मैं एक बहुत मस्त चीज और बताता हूँ, याद रखना, इन फिजिक्स We can write, mark my words, जो मैं बोलने वाला हूं, we can write every problem in a differential form. In physics, we can write every problem in a differential form. But it is not necessary we are able to solve it. Confused? Confused? हम हर problem को differential equation में लिख सकते हैं, differential मतलब dy, dx. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक बॉल को मारते हो, मतलब मैं थोड़ा कहीं और चला गया हूं, वैसे सुन लो, आपने एक पैराबोलिक पाथ लिया है ना, आपने बॉल को मारा, आप एयर फ्रिक्शन भी ले लो, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ले लो हवा में, एयर फ्रिक्शन भी आपकी आ रही है ना, तो आप हर उसकी एक इक्वेशन बन जाएगी, बट आप पूरा टाइम निकाल पाओ, हाइट निकाल पाओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम हर प्रॉब्लम को डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख सकते हैं, पर उसका सोल्यूशन हमें मिल जाए ये अनिवार्य नहीं है। मैं तुम्हें एक और बहुत मस्त एग्जाम्पल देता हूं, आप एक रॉड को रिलीज करो, मतलब ये मैं कहां चला गया वैसे, पर चलो कोई नहीं, चला गया तो चला गया, फिर क्या जा रहा, कौन से पैसे लगने बेटा, आप अपने घर पे बैठो, अपने घर पे बैठो, अपन एंजॉय कर रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं अपने को, है ना। तो अगर मैं एक रॉड को रिलीज करूं, सोच के देखना, और यहां से मैंने उस रॉड को हिंज किया है, और उस रॉड को रिलीज करके अगर मैं छोड़ दूं, तो वो जो रॉड है आप ऑब्जर्व करना बेटा, वो वर्टिकल हो जाएगी, है ना, वो जो रॉड है वो वर्टिकल हो जाएगी। सबको पता है उसकी ओमेगा कितना होगा, जितना उसने एनर्जी लूज किया, एम जी एल बाई टू, सेंटर ऑफ मास जो है वो एल बाई टू नीचे आया, दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ओमेगा आ गया, सबको पता है, जब ये रोटेट हो गया सीधा होगा तो ओमेगा कितना आएगा, सबको पता है, पता है, चैट पे लिख दो, पता है, यस सर निकाल लेंगे। लेकिन इसको सीधा होने में जो वक्त लगा, अगर मैं तुमसे टाइम पूछ लूं, तुम जवाब नहीं दे पाओगे,
तुम जवाब, तुम टाइम को निकालने की कोशिश करना। टाइम हमेशा छोटी ऑसिलेशंस के लिए निकलता है, एंगुलर SHM, बड़े एंगल के लिए टाइम निकलता ही नहीं है, इंटीग्रेट ही नहीं हो, समझ रहे हो मेरी बात? तो हर प्रॉब्लम्स हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, देर आर प्रॉब्लम इन फिजिक्स, वी कैन राइट एवरी प्रॉब्लम इन अ डिफरेंशियल फॉर्म, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट आई एम एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है ना? ये थोड़ी NCERT रिसर्च वाली बातें हो रही है। सॉल्यूशन मिल जाए ये जरूरी नहीं है। आइंस्टाइन ने टाइम ट्रेवलिंग के ऊपर बहुत सारी इक्वेशंस लिख दी हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, हम मत्था मारे जा रहे हैं, हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहे उनके, ठीक है? बट श्रोडिंगर, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है ये बात, श्रोडिंगर इज अ लकी साइंटिस्ट जिसने एक प्रॉब्लम का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, उसने बहुत कुछ किया, प्रोबेबिलिटी कर्व बनाए, ही इज अ लकी साइंटिस्ट, ही राइट कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशंस बट ही हैज ऑल द सॉल्यूशंस, ठीक है? तो श्रोडिंगर भैया इतिहास में सबसे लकी साइंटिस्ट माने गए हैं अपने सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए। बस एक इतिहास का पन्ना था, मुझे आपको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना था, ठीक है? यस यस, तो उसको बहुत लकी माना गया, ये लाइन लिखी गई है फॉरेन ऑथर की बुक्स में, ही इज द ओनली लकी साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड हु हैज लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन बट ही हैज गॉट ऑल द सॉल्यूशन, उसकी सारी इक्वेशन सॉल्व हो गई थी, ठीक है? तो प्रयत्न करते रहे, प्रयास करते रहे, यहां से आपको यह पता लगता है, डन? तो बच्चों ये सारी बातें आपकी यहां पे लिखें, देखो ये बोहर मॉडल में है, और सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑब्टेन्ड हाइड्रोजन लाइक एटम कॉल्ड द वेव फंक्शन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। दिस ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल वर्ड उसने यूज किया, इसका कोई बोहर से लेना देना नहीं था, ठीक है? तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बाकी बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं है, दिस इज अ वेरी यूजलेस एग्जाम्पल, यू कैन लीव इट, कोई काम की बात नहीं हो रही इसके अंदर, ठीक है? और बच्चों इसके आगे आप अगर जाएंगे, एनर्जी लेवल्स की बात हो रही है, ठीक है? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो बहुत अलग तरह के होते हैं, ये वैल्यूज को याद रखो। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है -13.6, एन इक्वल टू 2 की जो होती है ना, अब ये वाला फॉर्मुला यूज कर रहा हूं मैं, टोटल एनर्जी का -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? हाँ जी, हमारे एक मास्टर जी जेड को जेड बोलते थे, बड़ा मजा आता था उसमें भी, ठीक है? कोई कह रहा है टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, मेरे भाई मैं अभी यूट्यूब पे तो तुझे नहीं बताऊंगा, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा बता देता हूँ मजे लेने के लिए, पॉसिबल है, लेकिन आप ट्रेवल फ्यूचर में कर सकते हो, आप पास्ट में नहीं जा सकते, मतलब उसके पीछे भी ऐसा नहीं है कि जैसे आता ना पुराने जमाने में शक्तिमान मशीन के बटन दबाया पास्ट में चले गए, बटन दबाया, ऐसे नहीं होता। उसके लिए आपको अर्थ को छोड़ना पड़ेगा, आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, ठीक है? आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पे टाइम डायलेट हो, ये कुछ अलग, छोड़ो यार, मैं सेंटीना कभी अलग से सेशन लूंगा इसके ऊपर, ठीक है? हाँ जी, तो भैया एन इक्वल टू 2 जो होता है आपका, वो होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही जब आप 3 लगाओगे तो आएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने कल भी आपको बोला था बेटा, ये वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका गैप। तो अगर मैं ये गैप लिखूं तो ये आएगा गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 और 1 का जो गैप होता है बच्चों, वो होता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही 4 और 1 का जो गैप होता है, वो होता है 12.8 और 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस गैप्स को आप याद रखें। अब इसका मीनिंग क्या है, गैप्स का मीनिंग क्या है, कल भी मैंने ये बात एक्सप्लेन की थी कि कोई भी अगर आपका इलेक्ट्रॉन नीचे खड़ा है, आपने अगर वहां पे बच्चों फोटोन दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर नीचे खड़ा है और आपने अगर बच्चों वहां पे फोटोन दिया, तो अगर तो उस फोटोन का एनर्जी 10.2 हो या 12.1 हो या 12.8 हो, तब तो वो एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा। अगर इनके अलावा कोई और वैल्यू होगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। और सिमिलरली वहां से जब वो नीचे गिरेगा तो उसे उतनी ही वेवलेंथ को रेडिएट करना पड़ेगा। तो मतलब अगर मैं एन इक्वल टू 3 से एन इक्वल टू 1 पे आता हूं वापस, मैं डी एक्साइट करता हूं, तो हमारा जो फोटोन निकलेगा 3 से 1 के बीच वाला, दैट इज 12.1 इलेक्ट्रॉन। सारी वो वाली बातें जो यहां पे आपकी लिखी हुई हैं, ठीक है? चैट पे लिख दो जय माता दी, लिख दो चैट पे जय माता दी, ठीक है? तो फॉर दीज एक्साइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन कैन फॉल बैक टू द स्टेट ऑफ द लोअर एनर्जी एमिटिंग अ फोटोन इन द प्रोसेस। तो वो जो खर्चा है, जो एक्स्ट्रा पैसे, उसे फोटोन के फॉर्म में रेडिएट करना पड़ेगा। जय माता दी। हां जी सर, निन्नी कर ले हैं, बोल ली जाओ, पागल हो, हम तो नहीं है, हम तो नहीं पिलाई करेंगे, किसको पिलाई जा रहे हो आप, ठीक है? यस, एक मिनट जरा थोड़ा सा, इतना पढ़ाता हूँ तुम्हें कमरे में, क्या एकदम से घमासान मच जाता है, ठीक है? हाँ चलिए, ओके जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हाँ, ये आपका यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है ना? ये सब कुछ ये नॉर्मल वही बातें हैं, या इन्फिनिटी से भी आप आ सकते हो। तो ये एक ना फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, सुन लो, मतलब ये कोई अलग बात नहीं है। ये जो हमारी लाइंस ऊपर नीचे हो रही थी, ठीक है, तो फ्रैंक और हर्ट्ज कोई एक अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो मरकरी के अंदर, मतलब वेपर मरकरी में ना, वो क्या कर रहे थे, मरकरी का वो अपना कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है? तो ये भी उसने बोला कि कैसे भगवान भी
जो सितारे हैं उनको जोड़ता है आपस में। तो वो एक अलग ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मरकरी का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उसमें वो क्या कर रहे थे कि मरकरी के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स मार रहे थे, मरकरी के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स मार रहे थे। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स मार रहे थे कोई, और उनकी जो वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन्स की वो चेंज कर रहे थे, है ना, इलेक्ट्रॉन की गन से वेलोसिटी जो थे वो चेंज कर रहे थे, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो चेंज हो रही थी। और जब वो काइनेटिक एनर्जी इस गैप के बराबर होती तो वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होता और वो इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर चला जाता। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमें बाहर मिलते उसमें से कुछ एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स मिस होते, है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो देखते, तो उनको नजर आता कि उसी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स नहीं फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एब्जॉर्ब हो गया, है ना। तो लेकिन जो एनर्जी मिसिंग थी, जो इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया में जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिसिंग थी, वही एनर्जी फोटॉन्स की फॉर्म में वापस आ रही है। तो मतलब वो जो थ्योरी थी कि वो ऊपर जाएगा फिर ऊपर जाके वापस आके वो खर्चा रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो हर्ट्ज और इन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया अपने मरकरी वाले एक्सपेरिमेंट में। तो यहां पर ये चीज यहां पर लिखी हुई है, तो आप देख सकते हो दिस इज ऑल अबाउट द मरकरी। तो ये 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है ना, वो ऊपर गया और फाइनली जब वो नीचे आया आप समझ सकते हो उतनी ही वेवलेंथ का फोटोन उसने एमिट किया। तो मतलब ये एक उन्होंने बोला कि भैया तुम जो सोच रहे हो, बोहर को आत्मविश्वास प्रदान किया हर्ट्ज और उसने आत्मविश्वास दिया कि भैया तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा हो रहा है, चिंता मत करो, हमने भी देखा है, ठीक है ना। हाँ, ये दुनिया में बहुत होता है ना, हम कोई काम करें और हमारा दोस्त आगे हमें बोल दे भैया अरे सही कर रहा है, हम भी हैं, हमें भी दिखा, फिर अरे हाँ अब सही है यार, अब सही है ना, ये बिल्कुल वो वाला सीन हुआ है ना, मेरा भाई वो वाला सीन हुआ है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या है आपका आगे, लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो बस यार ये वही सारी बातें हैं, आप हाँ यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी आपका एनर्जी का फॉर्मूला आया था E1, जो भी यहाँ पे फॉर्मूला आया था E2, और अगर आपको याद हो एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा -13.6 × Z²/N², ये 13.6 भी एक कांस्टेंट था, है ना, जहां से वो सारा क्लब करके आपका निकला। तो इन दोनों का जो गैप है बेसिकली E2 माइनस E1 दैट इज HC/λ, ठीक है। तो यहां से मैंने 1/λ को डेल्टा ई बाय एच सी लिख दिया और ई का जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन निकला था उसकी वैल्यू डाल दी। तो ये सब कुछ कर करा के, है ना, ये सब कुछ कर करा के आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। और ये देखो आप यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी का इन्होंने दिया है, ये इन्होंने फ्रीक्वेंसी का फंक्शन दिया है, ठीक है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। और फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हो C/λ, तो C भी अगर आप नीचे ले आओ तो आपको 1/λ मिल जाएगा, है ना। और आप देखो C भी अगर आप नीचे ले आओ तो ये C एक एक्स्ट्रा आ गया। तो ये जो सारा कॉन्स्टेंट बाहर बचता है ये आपका बनता है रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। तो मैं अब लिख देता हूँ 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कॉन्स्टेंट इंटू 1/Ni² - 1/Nf², ठीक है। तो Ni मतलब जहां पर आप आए, वैसे इसको आप Nf बोलो, ये जैसे मर्जी आपको ठीक लगे, Ni का मतलब होता है, क्योंकि इनिशियल हम एक्चुअली बोलते हैं गया तो यहीं से होगा ना, मतलब आया जरूर ऊपर से नीचे है बट पहले तो वहीं पर होगा ना, बाय डिफॉल्ट तो वो ग्राउंड पे ही था, तो एक्साइट हो गए किसी ने आगे हिट किया वो ऊपर चढ़ गया। अब हाँ, अब वो वापस इनिशियल लोकेशन पे अपनी आया है, तो उसने एक फोटोन दिया है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा। तो इस फॉर्मूले से आप अपना निकालते हो फॉर हाइड्रोजन। और अगर कोई हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, बोहर मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड है, तो एक जेड स्क्वायर का फैक्टर आपका और वहां पे आ जाता है, ठीक है। यस सर, ठीक है। कोई पूछ रहा है यहां पे क्या मैं DBP लेता हूं, लोन माही ब्रदर, मैं हर सेशन का एक PDF असाइनमेंट देता हूं, ठीक है ना, हर लेक्चर का एक असाइनमेंट होता है, लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझसे पूछ सकते हो, vinay.shur@vedantu.com, ठीक है। तो इस तरह से हम चल रहे हैं, डन डन जी डन, बिल्कुल सर सही बात है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। तो यार ये सारी बातें हैं यहाँ पे जो लिखी हैं। अच्छा, मैं वैसे आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है ना, ये वैसे तो ठीक है आपको याद नहीं रखनी है ना, इसकी सॉल्व करके सारी ये वैल्यू आती है 1.1, ये भी अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.1 × 10⁻¹⁷ मीटर इनवर्स। लेकिन इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रेसिप्रोकल इंपॉर्टेंट है। 1/r जो होता है वो 91 नैनोमीटर के आसपास होता है, ठीक है ना, नैनोमीटर। 1/r इज इंपॉर्टेंट, 1/r इज 91 नैनोमीटर, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड, इसकी जो वैल्यू है ना, ये कई बार ना फिजिक्स ओलंपियाड में यूज होती है, फिजिक्स ओलंपियाड में ये कई बार यूज होती है। कैसे, ठीक है, बस सुन के कान से बाहर निकाल दो। कैसे निकालोगे, ये टमाटर है, ये इनके कान है, ये इनकी चेहरे पे स्माइल है, तो करेंगे क्या, ये विनय सर की एक बात अभी सुनने वाले हैं, यहां से सुनेंगे और स्माइल करते हुए बाहर निकाल देंगे, है ना, जैसे पूरा सेशन निकाला इन्होंने, है ना, यहां से सुन के यहां से बाहर, सुना थोड़ी है हमने, नहीं सुना ना, और सुना नहीं सुना है ना, ये कौन बोल रहा है ना,
यशल यशल सुनेशल है ना। हाँ सुनेशल तमातलो जाग ले हो नशल नींद निकल ले। हाँ ठीक है जी ओके जी। निकालना क्या है, कई बार ना फिजिक्स ओलंपियाड में आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी उसकी। सवाल क्या आता है कि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके बदले डबल होता, यहां पे m ऊपर आ रहा है, तो नया लाइमन सीरीज का वेवलेंथ क्या होता, मतलब समझ रहे हो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, अगर आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखो यहां पे अगर आपने डबल कर दिया तो रिडबर्ग कांस्टेंट जो पुराना था वो डबल हो जाएगा। तो नई थ्योरी के हिसाब से यहां पे एक 2 का फैक्टर और निकल आएगा। ठीक है आप समझ रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अगर ओरिजिनल से हाफ हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके अच्छे अच्छे वाले, अगर वो हाफ हो जाए तो डिनोमिनेटर में आपका एच क्यूब आ रहा है तो हाफ का क्यूब 8, तो वहां पे आपका रिडबर्ग कांस्टेंट 8 टाइम्स आ जाएगा। तो मतलब समझ रहे हो। और थोड़ा सा अगर आप मजे लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं बेटा, कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं होता, सिर्फ अगर बेसिक थ्योरी और जज्बा जज्बा रखा जाए करने का, ठीक है, तो आप इजिली उस क्वेश्चन को एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। कहां चला गया मेरा भाई कहां चला गया, यहां चला गया। ठीक है जी डन। ठीक है तो बच्चों ये हो गया आपका, यहां से हम आगे चलते हैं। ठीक है देखिए ये सारी सीरीज है लाइमन सीरीज आपकी, जब n इक्वल टू 1 पे आप आते हो, ठीक है मैं बार बार रिपीट करता हूं, जब आप 2 से 1 के आप आते हो तो एनर्जी गैप कम है, मतलब आपका जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है, और जब आप इंफिनिटी से 1 पे आते हो तो इस बात को आप याद रखना, आपका एनर्जी गैप हाईएस्ट है तो आपकी जो वेवलेंथ होगी वो मिनिमम होगी। ठीक है तो मैक्सिमम वेवलेंथ 2 से 1, मिनिमम वेवलेंथ इंफिनिटी से 1, और ये जो सारी सीरीज है आपकी ये यूवी रीजन के अंदर आती है। बामर सीरीज जितनी भी है ये आपकी विजिबल रीजन के अंदर आती है, और पाश्चन ब्रैकेट फंड सीरीज आपकी इंफ्रारेड रीजन के अंदर आती है। मेरे ख्याल से सारी बातें आपको यहाँ पे क्लियर है, कई बार कर चुके हैं तो मेरे को लगता नहीं अब इसके ऊपर ज्यादा बच्चों को टेंशन लेनी चाहिए। ठीक है तो ये है आपका सारा प्रोसेस, फॉर्मूला देख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो मैंने आपको बात बताई थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी ब्रॉगली ने बोहर मॉडल को कैसे लिंक किया, डी ब्रॉगली ने बोहर मॉडल को कैसे लिंक किया बच्चों, समझ रहे हो आप लोग। हाँ जी ओके तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, बहुत सीधी सी बात है, डी ब्रॉगली ने ये बोला कि भैया जो सरकमफ्रेंस है आपका, देख रहे हो आप, देखो यहाँ पे ये आपकी वेव है, फिर आप देखो एक और वेवलेंथ है, मैं सोच रहे हो, वो कह रहा है डी ब्रॉगली ने ये बोला कि भैया ऑर्बिट के अंदर स्टैंडिंग वेव बनेगी, ऑर्बिट के अंदर स्टैंडिंग वेव बनेगी, अगर आप समझ पा रहे हो है ना, अगर आप उस फीलिंग को भी पूरा देख पा रहे हो, तो ऑर्बिट के अंदर अगर स्टैंडिंग वेव बनेगी मतलब जो सरकमफ्रेंस होगा, जो सरकमफ्रेंस होगा वो एन लैम्डा के बराबर होगा। ठीक है तो ये डी ब्रॉगली की थ्योरी थी, तो 2πr इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, और लैम्डा जो था वो एच बाई एम वी के बराबर था, तो उसको 10 साल लग गए, ये भी मैं आपको देखो यहाँ पे लाइन आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, 10 साल लग गए उसे यहां तक पहुंचने में, मतलब ये कहां गया ये भी आप देख सकते हो। ठीक है ना मॉडल परहैप्स द पजलिंग प्रॉब्लम वी शुड एंगुलर मोमेंटम, हाँ ये वर्ड क्या लिखा, 10 ईयर्स आफ्टर द बोहर प्रपोज द मॉडल, मतलब बोहर की थ्योरी आ गई उसके 10 साल बाद उसको डी ब्रॉगली ने वेरीफाई किया, तो व्हाट अ ब्यूटी यार, एक बार बोहर के लिए जरा डी ब्रॉगली के लिए ताड़ियां, मतलब बेटा बेटा है ना, कितने 10 साल बाद उसने इस, मतलब सेकेंड लो ये बन गया था, मतलब देखो ये एक लाइन था MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, देखो प्रूव हो गया जो सर्कमफ्रेंस है वो वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल है, क्यों, क्योंकि डी ब्रॉगली ने बोला कि भैया एक स्टैंडिंग वेव बनेगी, और स्टैंडिंग वेव मतलब ये बन गया पहला लूप, फिर ऐसे ये बन गया मेरा दूसरा लूप और एक तीसरा लूप, क्यों स्टैंडिंग वेव बनेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एक अपनी वेव है, तो वो जो वेव्स हैं वो दोनों डायरेक्शंस में जाएंगी, इलेक्ट्रॉन घूमता भी जा रहा है वो इंटरफेयर भी करती जाएंगी, तो आपकी एक स्टैंडिंग वेव वहां पे बनेगी, डन। तो देखो ये एक लाइन, मतलब लोग इस चीज से परेशान थे, MVR NH upon 2π कहां से आया, बोहर को भी नहीं पता, बोहर ने भी बस पता नहीं कहां कहां से निकाल के निकाला इस चीज को, लेकिन उसका प्रूफ सिर्फ एक लाइन का था, 2πr इज n लैम्डा, n लैम्डा इज H upon mv, है ना, डन। ठीक है तो कई बार बेटा वही बात होती है, हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब खड़े होते हैं, बस उसको ढूंढने के लिए थोड़ा सा हम प्रयास नहीं करते, तो अगर प्रयास करें तो हम बहुत कुछ उसमें पा सकते हैं, डन। ठीक है तो बच्चों ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे आप लिखी हैं, यू कैन इसको रीड कर लीजिए, है ना, द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एनर्जी स्टेट्स ड्यू टू द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द रेजोनेंट स्टैंडिंग वेव्स कैन प्रोड्यूस, तो वही उसने बात की है कि अंदर जो बनेंगे स्टैंडिंग वेव्स बनेगी। तो अब बेटा अब बता, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं, बोहर मॉडल की भी लिमिटेशंस हैं, ठीक है ये अब अंतिम पंक्ति है, खत्म हो गया हमारा चैप्टर, अब बोहर मॉडल भी फेल हो गया, उसके भी कुछ कारण है, दो रीजन उसके मेन है, पहला
कह रहे हैं द बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल टू ओनली हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, तो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैलिड है, जैसे फॉर एग्जांपल HE पॉजिटिव के लिए वैलिड है, Li2 पॉजिटिव के लिए वैलिड है, सोडियम में अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड है, मतलब उसके अंदर एक तो हो न्यूक्लियस और दूसरा हो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसके लिए आपका हाइड्रोजन का बोहर मॉडल जो है वो आपका वैलिड है। कॉम्प्लिकेटेड एटम्स के लिए वैलिड नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा हो तो वैलिड नहीं है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन पे अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन्स की फोर्सेस भी सिग्निफिकेंट आ जाएंगी, तो अब आपका बोहर मॉडल जो आप K1Q2R² = mv² लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट है, ये पहला है आपका बोहर मॉडल का लिमिटेशन, ठीक है जी। अब ठीक है, अब यहीं पे देखो ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, अगर आप देखो अगर एटम्स पे ज्यादा आ जाएंगे है ना, एग्जांपल्स आर इन ना, तो देखो यहाँ पे है ना इन इन अगर कॉम्प्लेक्स एटम्स में आप जाओगे तो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस आर नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन से फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट कॉम्प्लिकेटेड एटम्स में वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये मेरी पहली लिमिटेशन थी। ऐसी सेकंड लिमिटेशन बच्चों हमारी ये थी, व्हाइल द बोहर मॉडल करेक्टली प्रेडिक्ट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम्स, द मॉडल इज अनएबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इन द स्पेक्ट्रम। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके पास बेटा आई बामर सीरीज, आपके पास आई बामर सीरीज, बामर सीरीज बोले तो n इक्वल टू 2, और बामर सीरीज में आपने क्या किया, आपने 2 से 1 लिया, 3 से 2 लिया, 4 से 2 लिया, 5 से 2 लिया, डिफरेंटली, ठीक है। अब इसके अंदर उसको क्या ऑब्जर्व हुआ कि भैया जो ये वाली आ रही है वेवलेंथ, इनका इंटेंसिटी ज्यादा है, जो ये वाली आ रही है इनका जो इंटेंसिटी है वो कम है, मतलब इंटेंसिटी का मतलब समझो, ज्यादातर एटम्स में ये वाला ट्रांजिशन हो रहा है, कई ऐसे एटम्स थे, बहुत कम ऐसे एटम्स थे जिसके अंदर एक्चुअली, अब देखो इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करना है ऊपर से नीचे, है ना, ये लाइमन के लिए भी वैलिड है, ये बामर के लिए भी वैलिड है, ये ब्रैक्ट के लिए भी वैलिड है, ये पफंड के लिए भी वैलिड है, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जब हमने देखा पॉसिबिलिटी सारी है, लेकिन कई ऐसी वेवलेंथ हैं जो ज्यादा होती हैं और कई ऐसी वेवलेंथ हैं, कई ऐसी ट्रांजिशंस हैं जो कम होती हैं, जिनकी इंटेंसिटी कम है, तो ऐसा क्यों है, व्हाट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इन द स्पेक्ट्रम, इसको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है ना। तो बोहर मॉडल इज अनेबल टू अकाउंट फॉर द इंटेंसिटी वेरिएशंस, मतलब ये रैंडम है लेकिन फिर भी बराबर क्यों नहीं है, किसी एक की ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्यों है, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इसके लिए अलग से प्रोबेबिलिटी फंक्शंस आए, नए मॉडल्स आए जो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पे चैप्टर पूरा समाप्त होता है, ठीक है। अब बोहर का कोई और चेला आगे आएगा तो डेफिनेटली चीजें हमारी और इंप्रूव होंगी, ठीक है जी। और ये लास्ट लाइन बेटा लेजर लाइट के ऊपर गिवन है, ठीक है। तो लेजर लाइट वैसे तो मतलब है नहीं, सुनने में आप सुन सकते हो, आप ले लो जैसे आपके सामने एक मॉल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो लेजर लाइट मतलब वो ये कह रहा था, आप ये मान लो एक मॉल है और मॉल के अंदर एक आर्मी जा रही है, सोच के देखो इस तरह से उसने लिखा हुआ है, और सभी का डायरेक्शन यूनिक है, तो मतलब लेजर लाइट क्या है, जिसके अंदर जो फोटोन्स हैं वो सारे के सारे यूनिक डायरेक्शन में आपके प्रोपेगेट हो रहे हैं, दैट इज अ लेजर लाइट। थोड़ा सा इसने इसको मतलब और बोला कि आप सोचो वो छोटी जो लेजर पॉइंटर के लिए हम यूज करते हैं, जिसके अंदर यूनिक यूनिफाइड डायरेक्शन में आपके फोटोन्स जो है वो आपके जा रहे हैं, ठीक है, एक लाइन है और कुछ नहीं है। तो बच्चों मेरे ख्याल से चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, अब ज्यादा कुछ है नहीं। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखो, बोहर मॉडल को स्टेट करो, ठीक है, ठीक है ना, और स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट्स जो थी वो उसने एक्सप्लेन की, वो सारी बातें। हाइड्रोजन एटम में आप देख सकते हो आप कहां से आए, है ना, फोर्थ लेवल पे आप चले गए, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन मतलब लैम्डा निकाल लो, है ना, वन में लैम्डा निकाल लो, मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/1² - 1/4, है ना, ग्राउंड से आप फोर्थ पे गए -1/4², तो लैम्डा निकाल लो, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है C/लैम्डा, तो मेरे ख्याल से आगे आप इजीली अपना निकाल लोगे, ठीक है। तो ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन था सीबीएसई में, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैं आपको अगर और सवाल दिखाऊं, सीबीएसई में 2 मार्क का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय मास ऑफ 200 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट ऑफ द सेम चार्ज। अब बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये वही वाला बात होगी जो मैंने आपको बोली थी, जब आप डिराइव करते हो, है ना, के क्यू वन क्यू टू, है ना, सॉरी इसको अगर मैं यहाँ पे एक सेकेंड के लिए माइनस हटा देता हूँ, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर, ठीक है ना, इज इक्वल टू, जब आप सेंट्रीपिटल इक्वेशन लिखते हो mv² / r, तो आप सोच के देखो वहां मास की जगह अगर आप मास को 100 टाइम्स कर दो, उसने बोला है चार्ज सेम है
इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है लेकिन मास 100 टाइम्स हो गया है ना, तो आप सोच के देखो वो 100 का फैक्टर कहां पे आएगा। तो आप सारा उस फॉर्मूले को दोबारा क्रिएट कर सकते हो जिसकी मैं आपको बात बता रहा था। देखो सीबीएसई में भी ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। आगे आपको लिखा कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ऑप्शन थी, मेरे ख्याल से ये भी आपको आता है। बामर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको मिलती है जब आप इन्फिनिटी से 2 पे आते हो, ठीक है। तो ऐसे कई चीजें हैं बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये सवाल देखो कितना प्यारा सवाल है, सीबीएसई में 2 मार्क का आया है। कह रहा है मैंने एक 12.5 इलेक्ट्रॉन का यूज किया है, एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, तो ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे चैट पर लिख के जवाब दीजिए। आपने बच्चों एक फोटोन मारा है कितनी एनर्जी का, आपने मारा है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का। इसका जो गैप होता है वो होता है 10.2, इसका जो गैप होता है वो होता है 12.1। अगर आप एक ऊपर भी ले लो n इक्वल टू 4, उसका जो गैप होता है वो होता है 12.8। तो मुझे बताओ अगर आपने 12.5 का मारा है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां जाएगा, ठीक है, कहां जाएगा, डन, जल्दी बताइए कहां जाएगा, चैट पे लिख के जवाब दो, ठीक है। ये जो बीच में टमाटर पढ़ाई पूरी नहीं कर रहे हैं ना बेटा, तुम्हें नानी याद आनी है, पेपर में बता रहा हूं मैं, है ना। हाँ अभी तो बहुत याद आ रहा है ना, मस्तियां सूझ रही हैं इनको, कहीं नहीं जाएगा एग्जैक्टली। ये 12.5 कहीं पर भी उसको नहीं लेकर जा रहा, तो मतलब ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो देखो सीबीएसई में भी ये सवाल आ रखा है ना, और कई बुक्स ने इसको गलत दिया, कई बच्चों ने इसको 4 तक दिखा दिया, 4 तक तब जाता अगर 12.8 तक होता मेरे भाई, तो गलत आंसर्स भी दिए हुए हैं, बट वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, इट विल स्टे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अभी भी देखो n इक्वल टू 2 दे रहे, अबे मूर्खों वो तब एब्जॉर्ब होगा अगर डिफाइंड एनर्जी, अगर 10.2 दोगे, 10.21 दो या 10.19 दो तब भी नहीं होगा, एग्जैक्ट वो एनर्जी चाहिए तभी उसको वो वहां तक वो लेके जा सकता है। डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं। हाँ ये देखो यही लेजर का मैं आपको बता रहा था, लेजर के ऊपर उसने एक पैराग्राफ दिया है, तो आपको ये एग्जांपल दिया, नॉर्मल बल्ब से आप डिफरेंट डायरेक्शंस में रेडिएट करते हो, लेजर लाइट में आप देख सकते हो सारे फोटॉन्स आपको यूनिक चैनलाइज्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिखते हैं, तो ये लेजर लाइट है। अब उसने लेजर लाइट को 3 तरह से बोल दिया कि भैया एक तो आप उसको पॉइंटर के लिए यूज कर सकते हो, तीसरा आजकल जो आपकी आई की सर्जरी है आप उस सर्जरी को लेजर से यूज कर सकते हो, और चौथा आजकल तो लेजर लाइट ऐसी भी है जिससे आप स्टोन्स और डायमंड को कट कर सकते हो, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी देर आर डिफरेंट वेज जिसमें आप लेजर को यूज कर सकते हो, आप पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर कोई लंबा जोड़ा काम नहीं है, ठीक है, टोटल थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन। और बच्चों मेरे ख्याल से यहाँ पे आपकी आ गई शमली, हेलो शमली आ गई, शमली जो सब पढ़ा है हमने दोबारा एक बार अब देख लेना, पॉइंट्स टू पॉन्डर आप एक बार देख लीजिएगा, सारे पॉइंट्स जो हमने आज पढ़े हैं आपको पता लग जाएगा, और इस स्लाइड का आप फटाफट बच्चों स्नैपशॉट लेने जल्दी जल्दी, ठीक है, ये आप स्नैपशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है, टेक अ ह्यूज स्नैपशॉट, और आप देख सकते हो यार ये वाले क्वेश्चंस और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों ने करने हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज के एंड वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, ठीक है। तो बैक साइड में 12.2, 12.6, 12.3, 12.5 और 12.9 ये सारे क्वेश्चन आप जरूर करो, ये रिपीटेडली कई बार आपके आ चुके हैं, सारी एनालिसिस के साथ आपको ये डेटा दे रहा हूं, ठीक है। स्नैपशॉट ले लीजिए, ले लिया, चैट पे लिख दो ले लिया सर, ठीक है। सृष्टि भेजती है बर्गर मेरे लिए, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, आपका भी थैंक यू, ठीक है, ठीक है जी, ये स्नैपशॉट ले लीजिए। खुशी कह रही है रिपीट, बेटा यूट्यूब है, ठीक है, ज्यादा रिपीट हम कर नहीं सकते, आपको एक बार कहीं पे भी डाउट हो तो आपके पास दोबारा रिकॉर्डिंग देखने की ऑप्शन है, ठीक है। तो ये बच्चों बैक साइड के क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से बच्चों आज का सेशन हम डन कर चुके हैं, ठीक है, जल्दी बता दो चैट पे लिख के कैसा लगा आज का सेशन, फटाफट मुझे बता दो जरा, फटाफट बता दो, ठीक है, जल्दी बता दो चैट पे लिख के फटाफट कैसा लगा तमातलों को, कैसा लगा तमातलों को, है ना, अच्छा लगा, यस सर। और सर अब क्या कर रहे हैं, दो बातें, एक तो सर कल मिलेंगे आपको सरफेस टेंशन के लिए संडे को 11 बजे, ठीक है, सबने आना है, लगा लो, क्योंकि सर कहाँ जा रहे हैं, सर ने एरोप्लेन बनाया, सर जा रहे हैं गोवा घूमने, और सर वापस आएंगे फ्राइडे को, तब तक बीच में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स डेली कवर होगा सुबह 10 बजे। मैं अपना काम करके जा रहा हूं, आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, ना ही रुकनी चाहिए, ठीक है, आपने अपना काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों मैं बार बार आपको बता रहा हूं, कल नीट की डेट आई है, उस नीट की डेट पे हमारे प्यारे बच्चों को टमाटरों को एक स्पेशल स्पेशल गिफ्ट दिया जा रहा है,
आपका क्रैश कोर्स अब आप सिर्फ सिर्फ 6000 में ले सकते हैं। जो 20000 का था वो ऑलरेडी 10000 में हम दे रहे थे, अब 10000 से और कम करके 6000 कर दिया गया है बिकॉज इज अ गिफ्ट ऑफ द नीट डेट एंड दिस डील कैन बी क्लोज्ड एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। और इसके अंदर आपकी टेस्ट सीरीज भी पूरी इंक्लूडेड है। तो बच्चों इसको आप जरूर लो, इससे अच्छी डील आपको आगे नहीं मिलेगी, मैं आपको ये बार 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 बता रहा हूं, ठीक है। ये कब हो जाए बंद मुझे नहीं पता, ये अपने बच्चों के लिए हमने स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट आज रखा था। तो बच्चों कुछ नहीं करना, आप सब जानते हैं, आपको देखो ये विनय सर की अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, टमाटर बैठे हैं यहाँ पे, आज का ही सेशन चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज गिवन है, क्रैश कोर्स गिवन है, टेस्ट सीरीज पढ़ेगी 2000 में, क्रैश कोर्स पढ़ रहा है आज सिर्फ 6000 में। तो क्यों टेस्ट सीरीज लेनी है, आज आप क्रैश कोर्स ही ले लीजिए। आप क्रैश कोर्स पे क्लिक करें, आप यहाँ पे जैसे ही लॉग इन करेंगे आपको ये 10000 में दिखेगा, है ना। आप यहाँ पे बाय नाउ पे जाएं, जैसे क्योंकि मैंने लॉग इन कर रखा है तो आपने तो अपनी डिटेल डाल लेना, आपको ये स्क्रीन दिख जाएगी, यहाँ पे जाना है, भाई का कूपन कोड डालना है। क्या है भाई का कूपन कोड? विनेशूर क्रैश कोर्स 21। क्या कूपन कोड है? विनेशूर क्रैश कोर्स 21। तो जैसे यहाँ डालना है, भाई का कूपन कोड डालोगे, अप्लाई कर दो और यहाँ पे फंडे में लाइफ सेट हो जानी है, है ना। 4000 रुपए आपके और कम हो जाएंगे और आपको वही सिर्फ 6000 में मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसको आप ले लो, मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूँ, इसे आप ले लो। देखो बड़ी सीधी सी बात है, आपको बहुत सारी हैंड होल्डिंग और चाहिए इन आखिरी दिनों पे। YouTube पे मैं आऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं रिवाइज कराऊंगा, मैं सब कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब करेंगे, लेकिन YouTube की एक लिमिटेशन है, तुम मेरे से मिल नहीं सकते, मेरे से बात नहीं कर सकते, मैं तुमसे बात नहीं कर, तुम मेरे से कंसिस्टेंटली डाउट नहीं पूछ सकते। मैं डाउट भी मेल के थ्रू रिप्लाई करता हूं जिसमें समय लगता है। आपको सुबह 24/7 सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक आप डाउट को अवेल कर सकते हो। आपको फोटो क्लिक करनी है, सिर्फ अपना पोस्ट करना है, आपको एक सैम मिलेगा। सैम का मतलब वो पेड प्लेटफॉर्म है, बहुत फीचर्स हैं, स्टूडेंट असिस्टेंट मैनेजर, आपको वो सैम हर वक्त अवेलेबल है सिर्फ 25 से 30 बच्चों को दिन में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, समझ रहे हो। तो कोई भी दिक्कत है आपकी वहां पे सॉल्व होगी, और 6000 रुपए में सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स, कोई सारा पढ़ना चाहे सारा पढ़ ले। अब अगर आप ये लेके सोचो, अगर आप ये ले लेते हो तो आप सिक्योर होगे। अब मान लो मेरे को कोई एक टॉपिक है जो मुझे लाइव पढ़ना है और टीचर से ड्यूरिंग दी क्लास डाउट्स भी क्लियर करने हैं, तो वो सिर्फ पेड प्लेटफॉर्म पे हो पाएगा। यूट्यूब पे हम डाउट क्लियर नहीं कर पाते। कई बच्चे मुझे लिखते हैं कि सर हम यूट्यूब पे हमें आगे निकलना होता है, समझो इस बात को, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, दिस इज अगेन गाइज, दिस इज अ रियल रियल इंटरेस्टिंग डील, डोंट लूज इट, डोंट लूज इट। देखो आप 4000 आपका और कम हो जाएगा, और कैसे कम होगा? अगर आप ये कूपन कोड उसके अंदर लगा देंगे तो पक्का ले लो। नीट आ गया है, इससे अच्छी डील अब आगे देखो, जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे तो फिर हो सकता है प्राइस दोबारा, ये मतलब समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अभी आप ले लो, आज के लिए ये ऑफर वैलिड है, ठीक है। कल है नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल नीट की डेट आई है तो बच्चों को एक सरप्राइज गिफ्ट दिया गया है, ठीक है। चक दे फटे, बिल्कुल डन डन, ठीक है। जय माता दी। कोई बोल रहा है बोर्ड्स के लिए, भाई ये जो भी हम सीरीज चला रहे हैं ना एनसीईआरटी की, ये बोर्ड से पहले सभी चैप्टर्स की खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैं 12th सारी रिवाइज करा दूंगा बोर्ड से पहले, ठीक है। अगर हमें ज्यादा समय मिला है तो उससे हम रिवाइज ज्यादा करेंगे, हम सेकंड टाइम रिवाइज करेंगे, हम थर्ड टाइम रिवाइज करेंगे, लेकिन हमारी स्पीड, हमारी जो फिलॉसफी थी वो हमारी सेम रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूं आपको, ठीक है। कल आ रहा हूं 11 बजे, ठीक है। हाँ जी, ओके बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और बेटा दुनिया में लोगों की मदद करो, लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी अनहैप्पी। जो समय है जीत लो, जो मेमोरीज है उन्हें आप बना लो, ठीक है। मेमोरीज ही साथ जानी है, बाकी सब यहीं रह जाना है, ठीक है। मेरा तुमसे मिलना, तुम्हारा मुझसे मिलना, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ये यादें ही साथ जाएंगी, ठीक है। तो जी लीजिए और इन्हें बस लिव इट बस, और मैं अब आपको क्या ही बोलूं इससे ज्यादा, ठीक है। कोई कह रहा है मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे पता है बेटा मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, थैंक यू सो मच। अब तुम अच्छी पढ़ाई करो, मुझे पता है आई एम गुड, यू हैव टू बी गुड नाउ इन योर वे, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू विनीता, हैप्पी जर्नी, बाय 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 बाय। चलो तेजस्वी कह रही है मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, तो ठीक है भाई, तुम भी अच्छा पढ़ाते हो। लो मैं यहाँ पे आने दिख रहा हूँ क्या, यहाँ पे चेयर लगाई हुई है मैंने, हाँ तुम भी अच्छा पढ़ाते हो, चलो बाय बाय, टेक केयर गाइज। गप्पे गुप्पे मारेंगे किसी दिन आता हूँ तुम्हारे से गप्पे मारने के लिए, चलो भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, बाय 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 बाय, लव यू।